नमस्ते मिनिस्टर साहब। नमस्ते मिस्टर जसवंत। आपको एक सूचना देनी थी। मैंने भारत में प्लूटोनियम खान खोजने का काम पूरा कर दिया है। बहुत अच्छा। इससे पहले कि ये जानकारी गलत हाथों में लगे, हमें इसे राष्ट्रपति को सौंप देना चाहिए। निश्चित रूप से। दरअसल घर में एक छोटी सी पार्टी है, जैसे ही खत्म होगी सारी जानकारी मैं हार्ड डिस्क लेकर आपके पास आ जाऊंगा। जैसा तुम ठीक समझो। थैंक यू सर। सर, मंत्री जी लाइन पर हैं। हाँ, बोलो। मिस्टर किशोर, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। उस जसवंत मल्होत्रा ने अपनी रिसर्च पूरी कर ली है। मुझे इसके बारे में पता है। वो बेवकूफ, इसे राष्ट्रपति को सौंपने की जिद पर है। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको भी जल्द ऊपर भेज देंगे और उससे हार्ड डिस्क छीन लेंगे। मेरा आदमी वहां पहुंचने वाला है। सुन, उसे फोन लगा। हेलो मिस्टर किशोर। कहाँ है? मैं वैज्ञानिक जसवंत मल्होत्रा की पार्टी में जा रहा हूँ। काम पूरा होते ही आपको फोन करता हूँ। रुको 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 रुको, ये मेरे दोस्त हैं। बोलना। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ फोन नहीं कर सकते। मैंने फोन किया नहीं है, आया है। मेरा मतलब है कि फोन पर बात नहीं कर सकते। मैं बात नहीं कर सकता? बिल्कुल सही। ए, सिर्फ तू बोल। बोलना। अरे अर्जेंट काम है भाई, बॉस बहुत जरूरी है। सुनो, वेलजी भाई ने हमें जमीन तो बेची थी, लेकिन वो खाली नहीं कर रहा है। उसके हाथ में कोर्ट का ऑर्डर है, कुछ करो ना भाई। अरे मैं स्कूल में हूँ। बॉस भाई बचपन में नहीं पढ़े, अभी पढ़ के क्या फायदा? ए, अपने बेटे के स्कूल में हूँ। सॉरी सॉरी बॉस भाई, अब जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन लाओ ने। सॉरी, एक काम कर, उसे यहाँ लेकर आ, अकल ठिकाने लगाता हूँ। उसको पता चलेगा कि उसकी अकल ठिकाने लगाने वाले, तो क्या वो आएगा? सही कहा। क्या कोई बकरी कहती है कि आज कसाई, ये ले मेरा गला काट। तूने कहा था ना कि उसके पास कोर्ट का ऑर्डर है, तो उसे छीन ले और यहाँ आ जा। वो तेरे पीछे पीछे आएगा, मैं यहाँ देख लूंगा। सरस सरस, पैसा वसूल आइडिया। रुको, सुचे, क्या चाहिए? सर, उसको बोलो कि कोर्ट का ऑर्डर दिखाए। दिखा दे भाई। ये क्या बात कर रहे हैं, मैंने आपको पहले कोर्ट ऑर्डर दिखाया ना। अरे सर, तभी मैंने चश्मा नहीं पहना था, अभी दिखाओ ने भाई। तो अब चश्मा कहाँ है आपका? मैंने तो चड्डी भी नहीं पहनी है। अरे तभी भी चश्मा नहीं था, अभी भी नहीं है, क्रॉस चेक करना है। बात तो ठीक कह रहा है, दिखा दो ना। दिखाओ। ये कबूतर क्या टाइम पास कर रहे हो? हा हू क्या है ये? तुम इन्हें लड़ना भी सिखाओगे या ऐसे ही चीखते रहेंगे? ये तो सोते हुए भी हा हू करते हैं। आज से यहाँ हा हू नहीं चलेगा, इन्हें हड्डी तोड़ना सिखाओ। तो फिर आप ही सिखा दो। मैं सिखाऊं? बॉस भाई, बॉस भाई, बॉस भाई, बॉस भाई, मैं आ गया। मैं तो छीन कर आ गया जैसा आपने कहा था। अब वो आ रहे हैं, आप संभाल लो ने। जय श्री कृष्ण जूनियर। तू क्या? चलो बॉयज एंड गर्ल्स क्लास शुरू करें। अगर कोई मारने के लिए आए तो पहला फटका हमारा होना चाहिए। तो तैयार हैं सब? बहुत अच्छे। किक।
तो अब इनकी नानी याद दिला दें। हाँ, हो जाएगा। कैसे हो सकता है? तो ये बात है। ब्यूटीफुल। ये हीरो नहीं है, ये मेरे पापा हैं। सच में? ऑसम। हाय वो ये मम्मी है, छोड़ ले पकड़, ले ये पापा। पापा क्या है? मारपीट बंद करो। अल्ले ले चल तो केम छो है मजामा एडिशन। ये रहा दूसरा गोल। बॉलर पकड़ने की हिम्मत कैसे की? ऐसे हवा में उछल के मारना। और ऐसे गिरा कर काम तोड़ना। इसे कहते हैं सिर फोड़ना। ओके ओके थैंक यू। लड़ने के लिए क्यों लाए? ए, इनकी पिटाई नहीं होगी तो अकल ठिकाने नहीं आएगी। मस्त योगा देखा वो भी कराटे क्लास में। लाओ बेटा। ये सब क्या चल रहा है? सभी बच्चे अपने अपनी क्लास में जाएं। आकाश प्रैक्टिस के बाद चले मत जाना, मुझे अपने पापा से मिलाना, ठीक है? भूलना मत। ये भी शुरू हो गई। आकाश अपने पापा से कहो बाहर इंतजार करें, उनकी तरफ देखने में भी अब मुझे डर लग रहा है। चलो पापा घर चलते हैं। घर? कराटे नहीं सीखनी मास्टर से? अब मुझे अपने कराटे मास्टर से सीखना चाहिए या फिर आपसे? तुम किसी से भी सीखो कोई फर्क नहीं पड़ता, चुपचाप अपने कराटे क्लास जाओ। ऐसी बात है तो अब से क्लास में मत घुसना, बाहर ही वेट करना। बाहर बोर हो जाता हूँ, फोन भी नहीं करने देते। यहाँ फोन उठाना और करना दोनों क्राइम है। अच्छा तो एक काम करो, मैं आपको एक गेम देता हूँ, ये खेलते रहना। ये कौन सी गेम है? ये तो खिलौना है। इसमें 3 बॉल्स होती है, उन्हें सेंटर में पहुँचाना होता है। ऐसा किया तो क्या जीत जाऊंगा? आप कर ही नहीं पाओगे, उससे पहले मैं वापस आ जाऊंगा। इसके लिए पेशेंस लगता है पापा। शिवानी तुम्हारी बॉल बैक ऑन। हेलो। हाय शिवानी, ट्रेनिंग हो गई बेटा? अभी नहीं हुई है मम्मी। ठीक है मैं बाहर इंतजार करती हूँ, पूरी करके आ जाना। ठीक है मम्मी। ओके। आजा रानी आजा आजा। रुक जा बोलो ना। सॉरी गेम। और पास। अरे एक्सक्यूज मी। ओह सुन मैं अभी स्कूल में हूँ, बाद में फोन करती हूँ, बाय। ये भी कोई गेम है?
बॉल अंदर जाए या न जाए क्या फर्क पड़ता है? अब हे थोड़ा अर्जेंट है, बस एक कॉल प्लीज। आज मैं तेरा जूस निकाल दूंगा। आज भी हम अपना फोन चाकू से ही उठाते हैं। हाँ। अर्नोल्ड बोलिए बॉस। अबे कहाँ है तू? जूस निकाल रहा हूँ बॉस। जूस निकाल रहा है? आप कहें तो इसकी किडनी को किडनैप कर लूं या लीवर को लापता कर दूं? ए, वो मर जाएगा। टेंशन मत लो, अभी सिर्फ हाथ पैर तोड़े हैं। अब वो साइन कैसे करेगा? मैंने अभी सिर्फ उसका बायां हाथ तोड़ा है, साइन वाला हाथ बचा के रखा है बॉस। ओ, ओके ओके ओके। अपने आप को वकील कहते हो और इतना भी नहीं पता कि स्टे ऑर्डर कैसे लेते हैं? एक वकील को पता होना चाहिए कि कानून क्या है और जज कैसा है। वकील, तुम्हें कुछ भी नहीं आता। बकवास बंद, केस की फाइल तुरंत घर भेजो। हेलो। हेलो। एक फोन करने वाले थे, तीसरा कर रहे हो। कॉल तीन बार किया लेकिन मैटर एक ही है। मैटर चाहे जो भी हो, आप बस करो। अरे बस कैसे करूं? एक ने स्टे ऑर्डर लिया और आनंद ने उसका भर्ता बना दिया, अस्पताल में पड़ा है, सीरियस मैटर। हेलो। आई डोंट केयर अबाउट ऑल दिस, फोन वापस करो। अर्नोल्ड। अर्नोल्ड लाइन पर है, बस एक मिनट। हेलो अर्नोल्ड, वो एडवोकेट सारी फाइलें घर भेज देगा। सर, फाइल का करना क्या? मैंने कहा मेरा फोन वापस करो, तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या? फोन वापस कर रहे हो या नहीं? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें फोन चाहिए ना? हाँ चाहिए। लो उठा लो। तुमने मेरा फोन तोड़ दिया, पता है कितना महंगा था? महंगा महंगा क्या कर रही हो, तुम तो मैनर्स की बात कर रही थी ना। उठाओ मैनर्स और जाओ। रास्कल। क्या हुआ मम्मी? एक रास्कल ने मेरा फोन तोड़ दिया और आपने उसे जाने दिया। आपको उसके दांत तोड़ने चाहिए थे। मैं तोड़ कर आती हूँ। हे शिवानी। मम्मी, ये तो आपका फोन है ना? हाँ, मतलब ये उसका फोन है। अरे मम्मी, आप भी ना। अरे वो तो मेरे दोस्त आकाश के पापा हैं। वो रियल हीरो है। अच्छा, हेलो। अरे आकाश, तू चला क्यों गया? तुझसे कहा था ना तेरे पापा से मिलना है मुझे। अब अपने पापा को लेकर फूड कोर्ट आ जाओ, मैं अपनी मम्मी के साथ आती हूँ। पापा को? लेकिन क्यों? कौन है? एक मिनट होल्ड करो। ओके। पापा, जब कोई फोन पर बात कर रहा होता है ना, तो उसे बीच में टोकते नहीं है। आपको इतना भी नहीं पता है, ये अच्छे मैनर्स नहीं होते। अब ये भी मैनर्स सिखाने लग गया। आस्कर मैनर्स सीख ले। शिवानी, मेरे पापा का मूड बहुत खराब है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, बाय। वो सच में हीरो हैं और आपने उनका मूड खराब कर दिया मम्मी। सॉरी। मुझसे सॉरी मत बोलो मम्मी, एक काम करो, नया फोन खरीदो, उन्हें जाकर दो और उनसे सॉरी बोलो। ओके। पापा, इफ यू डोंट माइंड, ये रोने वाला गाना बंद कर दो। पापा, आपको गुस्सा आ रहा है? नहीं। मुझे अच्छे से पता है आपको गुस्सा आ रहा है, पर ये भी तो सोचो ना, अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो आप दोबारा यही करते, पता है इससे क्या साबित होता है? क्या साबित होता है? मैनर्स नहीं है आप में बिल्कुल भी। मैनर्स? हाँ, हाँ मैनर्स। अच्छा बताइए, जब मैंने आपको सॉन्ग बंद करने के लिए कहा तो पहले मैंने आपसे परमिशन ली ना? हाँ। इसी को कहते हैं मैनर्स। पहले तो फोन के लिए मैनर्स चाहिए था, अब इस रेडियो के लिए भी। ये मैनर्स तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। अब क्या तुम्हें मेरे गाना सुनने से भी परेशानी है? आजकल इन रेडियो वालों को कुछ और बजाने को मिलता ही नहीं, पहले इन्हें मैनर्स सिखाना चाहिए।
हेलो हेलो बॉस, उसने साइन तो कर दिए, दूसरा हाथ भी तोड़ दूं क्या? साइन कर दिया ना तो जाने दे। पर बॉस, अगर इसने दूसरी पार्टी के पास जाके साइन कर दिया तो? इसलिए सोच रहा हूँ कि इसका दूसरा हाथ भी तोड़ के घर ले आता हूँ। वैसे भी कहते हैं ना, खाली हाथ घर नहीं आना चाहिए। ओके ओके, तोड़ दे। ए, बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। किस बात के बिजी? तुम किसी का हाथ इसलिए तोड़ रहे हो क्योंकि उसने साइन नहीं किया, और यहाँ मैं साइन कर करके अपना हाथ तोड़ रहा हूँ। मैंने तुमसे हजार बार कहा है कि इन कंपनियों को तुम खुद ही चलाओ और चेक पर खुद ही साइन कर लिया करो। ये बैंक वाले मेरे चेक रिजेक्ट कर देते हैं, मेरे साइन मेल नहीं खाते, ये सब मुझसे नहीं होगा। ए, आप कितना बिजी हो बॉस? कहा ना, बाद में फोन करता हूँ। कौन कॉल कर रहा है? बॉस, रुक। ओके। पापा, जब कोई फोन पर बात कर रहा हो तो उससे डिटेल्स नहीं मांगते। आपके अंदर मैनर्स नहीं है क्या? लंदन जाके यही सीखा है? बाप को देख कर ही बेटा सीखता है, किसी महान हस्ती ने कहा है। हाँ बोल। बॉस, महान हस्ती? महान हस्ती नहीं दादू, ये तो मैंने कहा था। अब समझा, चलो ये अच्छा ही हो गया, कम से कम बेटे को थोड़ी अकल तो आ गई। मैं फोन पर शिवानी से बात कर रहा था ना, तो उन्होंने बीच में टोक दिया। तो जो लेक्चर मैंने उन्हें दिया वही उन्होंने आप पर चिपका दिया। बहुत बढ़िया काम किया तुमने, अपने बाप को अकल दे ही दी, इसीलिए मैंने उससे कहा कि काम वाम छोड़ के सारी छुट्टियां तुम्हारे ही साथ रहे। तभी तो तुम दोनों में वो क्या कहते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग। क्या दादू, आपसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती क्या? क्या हुआ बेटा, आपने ऐसा बेटा पैदा ही क्यों किया? क्यों, क्या कमी है मेरे बेटे में? राजा बेटा है। पता है आपके राजा बेटे ने हमारे प्रिंसिपल के सामने क्या किया? अब क्या किया? आपके बेटे की वजह से हमारा स्कूल बहुत फेमस हो गया है, नेशनल लेवल पर उसका नाम बेस्ट स्टूडेंट के लिए सिलेक्ट हुआ है। अवार्ड सेरेमनी पांडिचेरी में होगी। आकाश, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। थैंक यू सर। अच्छा ये बताओ, वेकेशन क्लास के लिए तुमने क्या चुना है? कराटे। कराटे। मुझे कराटे नहीं, म्यूजिक क्लास में जाना है पापा। अरे तो परेशानी क्या है, दोनों सीख, गा के लड़ो या लड़के गाओ, क्या फर्क पड़ता है? यस। दोनों क्लासेस की फीस कितनी है? 60,000 सर। बिल्कुल सही, पे कर दीजिए। ये भगवान, सारी दुनिया के सामने नाक कटा दी। अच्छा बताओ, क्या स्कूल में हर किसी ने उसका कच्चा देख लिया? और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, स्कूल के सारे दोस्त पूछ रहे थे कि मैं भी उनके जैसा कच्चा पहनता हूँ क्या, और देखने के लिए मेरी पैंट भी खोल दी। भगवान, इसने तो मेरे बच्चे की भी नाक कटा दिया। और आपको पता है आज बेकरी में क्या क्या हुआ? वहाँ क्या हुआ? मुझे वो वाला पैकेट दे। आकाश, आज तुम्हारे दादाजी नहीं आए? आज नहीं आए। ये नया ड्राइवर है तुम्हारा? ड्राइवर किसे बोला? छोड़ दे। तू ड्राइवर? ओके भाई, तेरा बाप ड्राइवर है। हट, तू भी दुकानदारी ही चोर लगता है। मैंने कुछ बोला, मुझे ड्राइवर बोलेगा? क्या हुआ? मार के बताता हूँ। कुछ पूछ रहा था यार। अब समझ में आया, ये ऑटो रिपेयर और दुकान की तोड़फोड़ का बिल कहाँ से आया? वो बिल नहीं थे, वो तुम्हारे बाप की करतूत थी। बिल्कुल सही, ये उन्हीं का काम था। और ठीक उसके अगले दिन रॉकी अंकल अपने गुंडे लेकर स्कूल में आ गए, पापा भी थे वहाँ। इतना अरनॉल्ड, अरे वो आ रहा है। मैं वहाँ नहीं आ सकता, मेरे बेटे को अवार्ड मिल रहा है जिसके लिए मुझे पांडिचेरी जाना पड़ेगा। दादू, पापा पांडिचेरी क्यों जा रहे हैं? अरे ये तो पांडिचेरी में घमासान मचा देगा, पार्लियामेंट भंग कर देगा। पता है वहाँ का चीफ मिनिस्टर मेरा दोस्त है। दादू, मुझे उनके साथ चलने में शर्म आती है। अब वहाँ मेरे साथ चलकर मुझे फिर से शर्मिंदा करेंगे। मुझे नहीं जाना उनके साथ। पांडिचेरी ज्यादा दूर नहीं है, मैंने ड्राइविंग के लिए देवदास को बुला लिया है, वो उसे संभाल कर वहाँ छोड़ देगा। अवार्ड मेरे बेटे को मिल रहा है, मेरा वहाँ जाना जरूरी है, ना कि किसी ड्राइवर या मालिक को। और आप ही ने तो कहा था इन सारी छुट्टियों में आकाश के साथ रहना, अब तो प्यार बढ़ेगा ना? प्यार कैसे बढ़ेगा? हाँ कैसे होगा ये? मैंने तुम्हें उसकी पसंद की चीजें करने को कहा था, लेकिन तुम अपनी पसंद उस पर लाद रहे हो। वो जाना चाहता था म्यूजिक क्लास में, तो फिर तुमने उसे कराटे क्लास में क्यों डाल दिया? वो भी गुंडागर्दी करेगा? आप भी ना। एक बात कहूं, गलत मत समझना, आकाश को तुम्हें अपना बाप कहने में भी शर्म आती है।
बस 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 यही रोक लो, यही रोक दो। ये हवा कौन से टायर से निकल रही है? कहीं पंचर तो नहीं हो गया? अरे रा, ये सूसु क्यों कर रहे हो और लेट क्यों हो गया? तुम्हें देरी हो रही है, तुम घर जाओ। अरे ऐसे कैसे जा सकता हूँ, तुमने बोला था 10 बजे तक आओगे। अभी 10 थोड़ी बजे हैं, 3:30 बजे हैं। ए, रात को 10 बोला था, सुबह के 3 बज गए हैं भाई। मेरा कबा आप बोस दादा, यहाँ शोर क्यों इतना? शोर तो होगा ना, शोर दास आए, मतलब देवदास आए। और ये तेरे हाथों में क्या है? ये कल्याणी है, है? इसकी बॉस को जरूरत है, उन्होंने लाने के लिए कहा था। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, सुनो इस ऑटो वाले को पैसे देकर रवाना करो। देवदास जी जाकर गाड़ी धो दो। जी बॉस। गुड नाइट बॉस दादा। क्या रे, मैं इसकी गाड़ी को क्यों धोऊं? एक्सपायरी टिकट। बॉस दादा ने रिक्शा धोने को नहीं गाड़ी धोने को बोला है, कल पांडिचेरी जाने का है भाई। पांडिचेरी? अरे अभी तो वहीं से आया हूँ, अगर मुझे पता होता तो वहीं रुक जाता। कब उतरेगा और ये समझेगा कब? ये लो रखो भाई। ये क्या है? फटाई क्या? बराबर है भाई। ओए बाकी के? बाकी रख लेने। ओए बाकी के भी दे मुझे, पूरे 6,000 रुपए। अरे रे 6,000 रुपया? ये भाई इसका ऑटो खरीदा क्या? ये इसका ऑटो कौन खरीदेगा, इसे तो कोई मुफ्त में भी नहीं लेगा भाई। तो बस स्टैंड से इधर आने का भाड़ा इतना होता है? बस स्टैंड से नहीं आया ये, पांडिचेरी से लेकर आया उसको। ए भाई पांडिचेरी से इधर रिक्शा में आया तू? मैं आया हूँ। ए भाई तेरा नाम देवदास है, मतलब 24 घंटे पीने का सर्टिफिकेट मिल गया? ए, अगर मेरा नाम देव होता तो मान लेता कि पीना गलत है, लेकिन देवदास हो करना पीना बहुत बड़ा गुनाह है। तेरी अर्थी जल्दी निकलेगी। ए भाई तू बता, पांडिचेरी से आए लेकिन इतना दूर से इधर आने का 6,000 थोड़ी होता है? पांडिचेरी से यहाँ आने का 3,000 होता है। हाँ तो यही ऑटो वापस भी तो जाएगी। 6,000 रुपए निकाल। ठीक छे देता हूँ, ये तेरा 6,000 देता हूँ, ये ले रख ले, मुझे पांडिचेरी छोड़ दे भाई। तुम पांडिचेरी किस लिए जा रहे हो? अरे ये रिक्शा पांडिचेरी जा रहा है, बॉस दादा का पैसा बर्बाद नहीं करूंगा, मैं भी जाऊंगा। चल भाई रोके। सूचे इतना वक्त क्यों लग रहा है? नहीं नहीं वक्त नहीं लगेगा, मैं आता हूँ बॉस दादा। ए धनी राम जी साहब, ऑटो में बैठ जा, पांडिचेरी उतर जाना। लेकिन क्यों साहब? अरे धनी राम ऑटो खाली जा रहा है। हाँ? और बॉस दादा के पैसे बर्बाद नहीं होने चाहिए, मेरे उसूल में ही नहीं है। हाँ, जा भाई। लेकिन वापस कैसे आऊँ? वापस दूसरी ऑटो में आ जाना। अरे जल्दी भरो, पता नहीं कभी फिर से एकदम दाम बढ़ा दे। आज कितना बढ़ा है? 1 रुपया 11 पैसे। हेलो आकाश, तुम निकल गए क्या? हाँ मैं निकल चुका हूँ, देवदास अंकल पेट्रोल भरवा रहे हैं। तुम अपने पापा के साथ नहीं गए? मैंने कहा था ना कि अपने पापा के साथ ही जाना। मैं पापा के साथ ही जा रहा हूँ। देखा, तुम हमेशा उन्हें इतना परेशान करते हो, फिर भी वो तुम्हारे साथ जा रहे हैं। इज रियली ग्रेट। कौन है जो इतना ग्रेट है? जिसने अपना फोन तोड़ा था आपकी वजह से। मैं उनके लिए नया फोन खरीद तो रही हूँ, दे दूंगी। हेलो पहले खा लो। अच्छा चलो मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। बॉस मुझे चाबी दो, मैं चलाता हूँ। दूर शराब की बू आ रही है। खुशबू बोलो बॉस, थोड़ा सा बुखार है तो ब्रांडी में काली मिर्च डालकर पी ली। ब्रांडी में काली मिर्च? पागल हो गया क्या तू? मेरी बात मानो बॉस, आपको भी बुखार है तो आप भी पी। चल चल थोड़ा दूर हो। बॉस भाई। हाँ बोल रॉकी। बॉस भाई, वेलजी भाई का छोटा भाई है ना, उसने हमको जमीन बेचने का वादा किया था। अब छोटे भाई का छोटा भाई ना बोल रहा है। जब सौदा हो गया तो भाई बीच में कहाँ से आ गया? वो तो उसके पापा को पूछना पड़ेगा। कांडो थई गियो छे बेवकूफ। बॉस भाई वैसे कोई वांदा नहीं है, आप बस 5 मिनट के लिए आओ, काम छुलटा और निकल लो। पापा उल्लू के पट्टे। मुझे बुलाया बॉस। तुझे बताया था ना आकाश के साथ पांडिचेरी जा रहा हूँ। लेकिन बॉस भाई अगर आप नहीं आए तो हमारा एडवांस डूब जाएगा। ने डूबती नहीं है तो आप भी पार लगाते हो ने। आ जाओ ने बॉस भाई। बॉस एक बार चल कर देख क्यों नहीं लेते, मैं आकाश को लेकर मुंबई चला जाऊंगा। मुंबई? पांडिचेरी जाना तो मुंबई की बात कर। पांडे को ने बस चेरी खाता है क्या? हेलो आकाश, तुम लोग पहुंच गए क्या? नहीं अभी तो चेन्नई भी पार नहीं किया। क्या रास्ते में पापा को कोई बिजनेस डील करनी है? रास्ते में ऐसा कौन सा बिजनेस होता है? और कौन सा बिजनेस, वही मारपीट वाला, वही तो उनका मेन बिजनेस है। उन्होंने कहा था 5 मिनट में आ जाएंगे पर 2 घंटे हो गए, बिजनेस शुरू ही नहीं हुआ है। लो बिजनेस शुरू हो गया, अब तो 5 मिनट में हो जाएगा। चश्मा निकाल तभी तो बॉस भाई दिखेंगे। फसाद की जरिया आदमी है। मुझे मेरे बाप की नाजायज औलाद के बारे में बिल्कुल पता नहीं था।
न जाने ये कहाँ से टपक गया, आप मुझे जमीन भी नहीं बेचने दे रहा है सर। मैं ना जायजा बात किसे बोला, तेरा बाप मेरी माँ का सच्चा प्यार था, तेरी माई उन्हें बहका के ले गई थी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चुप चुप साइन करो। ए दास, इतनी जल्दी पांडिचेरी पहुंच भी गए, अब बहुत तेज चलाते हो बस। पापा कपड़े बदलने का टाइम नहीं है, हम पहले ही 2 घंटे लेट हैं। अरे नहीं, चिंता मत कर, पहुंच जाएंगे। ऐसे कह रहे हो जैसे हम हेलीकॉप्टर से जाएंगे। ए रॉकी, आपने बुलाया मैं चलाया। जल्दी से एक हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त कर। खेत में कीड़े मारने की दवा छिड़कनी है। ए जूनियर को खेलने के लिए चाहिए, आस पास में दुकान होगी, छोटा सा ले आएंगे और डिग 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 उड़ाएंगे। तू बकरा, तू डायनासोर। देखो हेलीकॉप्टर कहाँ लैंड हो सकता है, जल्दी से पांडिचेरी पहुँचना। अभी तक हम पांडिचेरी नहीं पहुँचे, अभी तो हम वेलाचेरी में हैं। हटो। बस क्यों ना हम एक हेलीकॉप्टर खरीद ले, मैं उसका ड्राइवर बनूंगा। वो ड्राइवर नहीं होता, पायलट होता है दास अंकल। हेलो, फंक्शन शुरू हो क्या? क्या जब पहुँचूंगा तब पता चलेगा, अभी तो आधा रास्ता भी पार नहीं किया। तुम ऑलरेडी लेट हो गए हो, अब तो वहाँ पहुँचने के लिए उड़ कर जाना पड़ेगा। उड़ के ही जाएंगे, इसीलिए तो पापा ने हेलीकॉप्टर मंगवाया ना। हेलीकॉप्टर? रियली? बस हेलीकॉप्टर आ गया। अच्छा सुनो, आर्नल्ड अंकल हेलीकॉप्टर ले आए हैं, मैं बाद में कॉल करता हूँ। मम्मी, आकाश के पापा उसे हेलीकॉप्टर में लेके जा रहे हैं, कितनी अच्छी किस्मत है ना उसकी। कितनी अच्छी किस्मत है ना उसकी, हो सकता है एक दिन उसके पापा उसे रॉकेट में ले जाएं। अरे आर्नोल्ड, मैं और बॉस नीचे इंतजार कर रहे हैं, क्या तुम हमें देख सकते हो? आर्नोल्ड, इधर इधर। अब ये कौन है जो फोन करके परेशान कर रहे हैं? बॉस, हमें आर्नोल्ड फोन कर रहे हैं। हेलो आर्नोल्ड, दिख नहीं रहे कहाँ? ए आर्नोल्ड, आर्नोल्ड, हेलीकॉप्टर यहाँ नीचे उतर। ये मैं रूमाल हिला रहा हूँ ना, देखा इधर उतर। अरे आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। सुनाई दे रहा है कि नहीं? अरे पंखा बंद करके बात करना, ये किधर जा रहे हैं? बॉस, अकेले पांडिचेरी जा रहे हैं क्या? इसके पीछे चलते हैं। ए आर्नोल्ड, आर्नोल्ड, अरे राइट मारो, राइट नहीं, यूटर्न मार, यूटर्न। और इधर इधर उतर, यहाँ यहाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, हट। चलो पहुँच गए। ए देर तो नहीं हुई? अरे तू इधर है तो हेलीकॉप्टर किधर है? ये मुर्दा गाड़ी किस लिए लेकर आए? हाँ, ये भी चलेगा। वही तो कह रहा हूँ बॉस। बॉस देखो ना, ये हेलीकॉप्टर की जगह मुर्दा गाड़ी लेकर आए। ये लाश लेकर जानी है क्या? तेरे लिए तो ठेला गाड़ी लाऊंगा, ये इमरजेंसी गाड़ी है, इस वक्त ये टाइम बचाएगी, ना ट्रैफिक की दिक्कत, ना सिग्नल का प्रॉब्लम, सीधा पांडिचेरी। ए नौटंकी बंद करो और गाड़ी में बैठो। जैसा आप कहें बॉस। पापा, मैं अंकल के साथ बैठूंगा। हाँ जाओ, तू भी आ जा। हेलो आकाश, हेलीकॉप्टर में बैठ गए? हाँ, हम बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। हम कौन? मैं आर्नोल्ड, बॉस का बॉडीगार्ड। दास मतलब देवदास। ओके, ऊपर हेलीकॉप्टर में तो नेटवर्क नहीं होता, इसका मतलब तुम अभी जमीन पर हो। हम तो अभी जमीन पर हैं, एक ऊपर पहुंच चुका है। अच्छा शिवानी, मैं बाद में बात करता हूँ। बहन जी, बॉडी दिख रही है। अरे मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, चेहरा ढको। बहन जी, आखिर ये मरा कैसे? सिम कार्ड निकल गए। लेकिन क्यों? उसके बाद सरकार से डर के आधार कार्ड भी निकल गए। ये तो सही बात है। भाई साहब, आधार कार्ड क्यों निकल गए? आजकल आधार कार्ड हर जगह जोड़ना जरूरी है। अगर इसका पति मर गया है तो ये किसे फोन कर रही है? बहन जी, आप किसे फोन कर रही है? मोबाइल कंपनी को। पर क्यों? सिम कार्ड निकलाना तो बंद तो कराना पड़ेगा ना। हर महीने बिल आएगा, कहाँ से भरूंगी? ये बिल्कुल सही कह रही है। किस बला से शादी कर ली तूने, कोई और नहीं मिली क्या? तुझे क्या लगता है कौन है? कौन है ये? ये प्रिया बहादुर है। क्या प्रिया बहादुर? प्रिया बहादुर जैसी तो है। ये प्रिया बहादुर है। मरने में क्या जाता है कि प्रिया बहादुर ही है। बॉस आगे चल के देखते हैं। चलो आगे बढ़ो। मैडम मैडम एक सवाल, मैडम मैडम बस एक सवाल, बस एक सवाल। कल्याणी जी, आपके बारे में सोशल मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, क्या वो सही हैं?
हाँ बिल्कुल सही है, मुझे किसी से प्यार है। क्या वो भी इसी इंडस्ट्री से हैं? नहीं, वो एक बिजनेसमैन है, उनकी बीवी गुजर चुकी है और एक बच्चा है। चलो चलो हवा इन दो, हमें जाने दो, अपने जेब पॉकेट संभालो। थोड़ी जेब कतरा जल्दी है, तोड़ के जा। अबे धक्का किधर है? देखिए जेब कतरा, उस तरफ नहीं जा पाएंगे, चलो कार में से चलते हैं। ये तो उनकी कार है ना। तो क्या हुआ, रास्ता तो ले रहे? अरे सही रास्ता ढूंढा बस। आप शादी के बाद भी एक्टिंग करेंगे? क्या आपके मंगेतर इसके लिए तैयार है? जी, उन्होंने हमेशा हर मोड़ पर मेरा साथ दिया है। ओके रास्ता है, वो तो बिल्कुल सही कह रही थी। गेंडे संभल के पहुंच जाएगा। अरे ये तो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन रविंद्र सिंह के बेटे भास्कर हैं। मैडम सर आते ही हम लोग एक साथ चलेंगे। हाँ, ओके। सर आके सर 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 आपके और कल्याणी के बीच में कोई रिलेशनशिप है? कल्याणी? ये कल्याणी घंबे की बात कर रहे हैं। कैसे पता चला? उसके बारे में सब जानते हैं, आप डर मत, बोल दो। डर नहीं रहा तो बता दो ना। हाँ मेरा और कल्याणी का रिलेशनशिप है। ये कब से चल रहा है? हाँ? मैंने पूछा ये कब से चल रहा है? काफी टाइम से। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई सर? ये करीब जब मेरी बीवी की डेथ हुई थी, उसके बाद से ही शुरू हुआ। जब भी बॉस दुखी होते हैं तो मुझसे आकर कल्याणी मांगते हैं, फिर चाहे कोई भी वक्त हो मैं इनका पूरा ध्यान रखता हूँ। तो आप शादी कब कर रहे हैं? पहले से ही शादीशुदा है, बार बार ये सवाल कब पूछ रहा है? चला बहुत सवाल हो गया, चलो चलो बस। मेरी शादी के बारे में कोई पूछता ही नहीं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, जरूर सीक्रेट शादी की होगी। VIP call sound. पापा रुको, पापा रुको। हमें स्टेज पर नहीं, नीचे बैठना है। नहीं नहीं सर, आप लोगों को मेन स्टेज पर ही बैठना है, प्लीज मेरे साथ आइए। चलो प्लीज कम, प्लीज। थैंक यू, बैठिए। थैंक यू। हाय हाय, व्हाट्स योर नेम? आकाश। गुड इवनिंग, सबका यहाँ पे स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे लिए चीफ गेस्ट बन के आई हैं कल्याणी जी, और आप सब इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कल्याणी जी को कि वो दो शब्द कहे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आज बच्चों को प्राइजेस देने में मुझे बहुत खुशी मिलेगी। हेलो, हे, तुम आज टीवी पर आ रहे हो? मैं सच में को कंग्रेचुलेट मैं इस वक्त एक्ट्रेस कल्याणी के साथ हूँ। मैंने तो उनके साथ एक सेल्फी भी ली। वो जल्द ही कल्याणी जी के साथ शादी करने वाले हैं, और इस बात का जवाब हमें मिल चुका है। एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पापा एक्ट्रेस कल्याणी से शादी कर रहे हैं? मैं उनके पेरेंट्स को भी कंग्रेचुलेट करूंगी कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए इतनी। ये तुमसे किसने कहा? टीवी पर दिखा रहे हैं, पहले अपना फोन निकालो और न्यूज चेक करो। इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ। देख लो, तुम्हारी हीरो को हीरोइन मिल गई है, बेचारी हीरोइन। कल्याणी जी, आपके बारे में सोशल मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, क्या वो सही हैं? हाँ बिल्कुल सही है, मुझे किसी से प्यार है। आपके और कल्याणी के बीच में कोई रिलेशनशिप है? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तुमने ये वीडियो कब बनाई? ये कोई वीडियो नहीं है, ये तो न्यूज है। न्यूज है? कल्याणी से शादी करने वाले कोई आम आदमी नहीं है, वो शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन रविंदर सिंह के बेटे भास्कर रविंदर सिंह है। एक्ट्रेस कल्याणी और भास्कर ने इसकी जानकारी खुद दी है, उन्होंने खुद शादी की है जिसकी पुष्टि भास्कर ने की है। थैंक यू। नाक कटा के रख दिए। रविंद्र सिंह का बेटा, रविंद्र सिंह का बेटा, रविंद्र सिंह का बेटा। मेरा भी नाम जुड़ गया है इसमें। क्यों ना इसके खिलाफ एक और खबर छपा दे। क्या लिखोगे? कि बिजनेसमैन भास्कर रविंद्र सिंह का बेटा नहीं है? ए, ये घटिया काम करने के लिए तो इन बंदरों को अपने साथ पौंडीचेरी लेकर गया था। उठाना फोन। हेलो हेलो, भास्कर सर हैं? मैं एक्ट्रेस कल्याणी का मैनेजर बोल रहा हूँ, मैडम भास्कर सर से बात करना चाहती हैं। अभी उनसे बात नहीं हो पाएगी, बॉस भाई डाट खाने में बिजी हैं। तुम्हारा ही मैटर है भाई। कौन है फोन पर? बॉस दादा, जब कोई फोन पे बात कर रहा हो तो उसे डिटेल नहीं पूछनी चाहिए, ऐसा करना बहुत ही बैड मैनर है, ऐसा मुझे जूनियर ने सिखाया है। हेलो हेलो, मैं एक्ट्रेस कल्याणी बोल रही हूँ। आपने इतना बड़ा झूठ क्यों फैलाया है? इससे मेरा नाम बहुत बदनाम हो रहा है।
मैं भास्कर नहीं, रविंद्र सिंह बोल रहा हूँ, उसका पापा। एक छोटी सी गलतफहमी हो गई है, आपके नाम पर एक बियर बिकती है। असल में मेरे बेटे ने उसके बारे में बात की थी, लेकिन मीडिया और दूसरे लोगों ने कुछ और ही समझ लिया। लेकिन इन सब का क्या फायदा? मेरे और मेरे मंगेतर के बीच में गलतफहमी हो गई है और उन्होंने शादी भी रोक दी है, अब मैं उन्हें क्या समझाऊं? आप चिंता मत कीजिए, इस गलतफहमी का आपकी शादी पर कोई असर नहीं होगा। ये मेरी जिम्मेदारी है कि आप दोनों की शादी अच्छी तरह से हो, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। ऐसे ही लिया जाता है स्ट्रॉन्ग डिसीजन। हे बॉस दादा तो कमाल है भाई। और हाँ, कल्याणी की फैमिली जैसी तैसी नहीं है। मम्मी मुस्लिम, पापा पंजाबी, भाई क्रिश्चियन, लेकिन कल्याणी पक्की हिंदू। पूरी फैमिली नेशनल इंटीग्रेशन। इसी तरह की लड़की इस घर की बहू बनी है। मुंह बंद कर वरना सर फोड़ दूंगा। अरे रुक रुक, क्या कर रहा है? इनकी पिटाई तो बाद में करना, सबसे पहले उस आदमी से मिलकर आ जिससे वो शादी करने वाली थी। माफी मांग, उसे समझा कि असल में क्या हुआ था और दोनों का मिलन करा के। वो आदमी कहीं भी छुपा, हम उसे ढूंढ लेंगे, चलो। सबसे पहले तो इसकी टांगे तोड़, फिर अकेले ढूंढने जाना उसे। अरे भास्कर सर आगे। भास्कर सर, आपके और कल्याणी के बीच में जो प्यार था उसे उनके पिछले प्रेमी सिद्धार्थ ने खराब किया। आप यहाँ मिलने आए हैं तो फिर ये धमकी है या कॉम्प्रोमाइज? मैं और सिद्धार्थ एक साथ बाहर आएंगे और इसका जवाब देंगे। भास्कर आज सिद्धार्थ से मिलने आए हैं, क्या वो समझाने आए हैं कि वो कल्याणी का पीछा छोड़ दे? सिद्धार्थ कल्याणी का पीछा छोड़ देंगे या नहीं, कल्याणी सिद्धार्थ की होगी या भास्कर की, जल्द ही हमें जवाब मिल जाएगा। 15% ग्रोथ ओवर द लास्ट ईयर। सर कोई भास्कर नाम का आदमी आया है, आपसे मिलना चाहता है। कहूं मैं अभी नहीं मिल सकता। ओके सर। मिस्टर स्टीफन, योर परफॉर्मेंस हैज टू बी कंट्रीब्यूटेड अलोंग विद एलन्स, बोथ ऑफ यू। सॉरी, मेरा नाम भास्कर है। हे यू, मुझे बात करने दो, मैं क्लियर करने आया हूँ। मैं जो पीता हूँ वो और तुम्हारे लवर का नाम दोनों सेम। मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं है, गेट लॉस्ट। देखिए सिद्धार्थ सर, I said you get out, rascal. नमस्कार, एक खास खबर, एक्ट्रेस कल्याणी की लव लाइफ में एक नया मोड़ आया है। भास्कर ने आखिर सब सुलझा ही दिया। भास्कर ने उनके पुराने आशिक को उसके ऑफिस में घुस कर पीटा। चल दूर हटो, ए दूर हटो, क्या हो रहा है? सिद्धार्थ की लुटिया डूब गई। आइए सुनते हैं हमारे रिपोर्टर श्रीराम से, जो सिद्धार्थ के ऑफिस से हमसे सीधे बात कर रहे हैं। श्रीराम, आप हमें बताइए कि इस वक्त वहाँ पर क्या हो रहा है? ये सब क्या है? मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं थोड़ी ना वहाँ हूँ। और भेजिए उसको। और हम इसका लाइव जायजा आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भास्कर सिद्धार्थ को मार रहे हैं। आपको ये भी पता चल गया? काशिप टीवी के लिए कैमरामैन रावण के साथ मैं आपका श्रीराम। मुझे छोड़कर ये किसी को नहीं छोड़ता। जरूर कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से तुम्हारे पापा ने उसे मारा। तुम्हें और तुम्हारे दादाजी को उनके बारे में गलत फहमी हुई है। ये आकाश, ये तेरी मॉम है ना? तेरे पापा तेरी नई मम्मी से शादी कब कर रहे हैं? अगर तुझे जानना है तो जाकर आकाश के पापा से पूछ। आकाश तुम जाओ। तू क्या खुद को मैरी कॉम समझती है? मैंने कहा अपना हाथ हटा। नहीं हटाया तो? तू ऐसे नहीं मानेगा। भास्कर जी, हम कब से आपको और शिवानी की मम्मी का इंतजार कर रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ, जरा देखो इसे कितनी बुरी तरह से पीटा है। तूने इसे मारा? अकड़ तो देखो, गुंडागर्दी करेगी इसे तो मैं। प्लीज मैडम। बेटा तुम बताओ, इस लड़की ने तुम्हें क्यों मारा? मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, झगड़े की जड़ ये लड़की है। बिना गलती किए कोई किसी को मारता है क्या? तुमने क्या गलती की? गलती उसकी है, सवाल इसे करेंगे। मैडम। अंकल, इसी ने हमें इकट्ठा किया था आकाश को छेड़ने के लिए। ये तुम्हें क्यों छेड़ रहा था? ये पूछ रहा था कि आप और कल्याणी कब शादी करेंगे। जब मैंने इसे मना किया तो इसने मेरा हाथ मरोड़ दिया।
तो मैंने उसे सबक सिखाया। अच्छा, इसलिए तू मार धाड़ करेगी? बिना बाप की बेटी है इसलिए तू ये कर रही है। वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। औरत पर कोई हाथ उठाए तो उसका भर्ता बना दो। इसने सही किया है। फर्क नहीं पड़ता कि किसी का बाप है या नहीं, फर्क पड़ता है कि आपने उन्हें कैसे शिक्षा दी। आपने इसे अच्छी शिक्षा नहीं दी, इसीलिए इसके साथ बदतमीजी की। करेक्ट, भास्कर सर ने बिल्कुल सही कहा। शिवानी की इसमें कोई गलती नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। चलो साहब, अपनी क्लास में जाओ। ओके, ब्यूटीफुल। पापा। हाँ। पापा, पापा। क्या बेटा? पापा, थैंक यू पापा। काश तुम मेरी बेटी होती। देखो, कभी आकाश ने ऐसी गलती की तो उसे भी सबक सिखाना। ठीक है पापा। अच्छा हुआ आज मम्मी नहीं आई, नहीं तो वो ये सब देखकर मेरा स्कूल ही बदलवा देती। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मम्मी से बात करूंगा। ओके, ठीक है। फिर तो मैं अपनी मम्मी को कल स्काईवॉक मॉल लेकर आती हूँ। आप भी वहाँ जरूर आना। ओके, प्रॉमिस। प्रॉमिस। अरे इतना महंगा फोन है, किस बेवकूफ ने तोड़ा? आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, ये ठीक है, हमको तो कमाई से मतलब है ना। आपकी बेटी बहुत समझदार है। हा? शिवानी, वहाँ जाकर इंतजार करो, जाओ। एकदम सेम टू सेम फोन चाहिए या कोई दूसरा मॉडल चलेगा? जितना कहा है आप उतना ही कीजिए। ओके, एक मिनट जरा पकड़ना। शिवानी चलो। पागल है क्या? मैं पागल नहीं हूँ। चुप हो जाओ। पागल है, तुम्हारी माँ पागल है। शिवानी मेरी बात सुनो। छोड़ो मुझे मम्मी, छोड़ो मम्मी। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारी माँ को बड़ा मजा आया, तो तुम क्यों चिल्ला रही? Hello everyone, today we are here to speak about Benelli. Benelli is an international auto brand which was developed in 1911 by six Benelli brothers in Italy. Madam. क्या हुआ तुम्हें? इसलिए गुस्सा हो कि मैंने उनसे लड़ाई नहीं की? तुम भी तो उन्हें गालियाँ दे रही थी, कहाँ से सीखा ये सब? मैंने गालियाँ दी तो डांट रही है, उसने बदतमीजी की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ने से क्या हो जाएगा? तुमने खुद नहीं देखा हमारे आसपास कितने सारे लोग थे? किसी ने आकर हमारी मदद की क्या? यही हमारा समाज है। पी लो। जब वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, तुम्हें लगता है कि मुझे अच्छा लगा होगा? अच्छा ठीक है, ठीक है, अब रोना मत, मैं पी लेती हूँ। Honda Cycle Designs from different countries also invites the guests from all around the world. मुझे ऐसे घूर क्या रही है? क्या लगता है ये गलती से हुआ है? ये तो मैंने जानबूझ के किया। तुम्हें लगता है मैंने गलती से फेंका है? मैंने जानबूझ कर फेंका है, बेवकूफ। रुक जाओ, स्टॉप इट। मम्मी। Now we begin to. मम्मी। Oh!
भास्कर सर आखिर हुआ क्या है? अरे जिसकी पिटाई हुई उसे पूछो। ये फटके क्यों पड़े तुझे? मारपीट इसने शुरू की थी। और मारो। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, मुझको भी मौका दो ना। सबसे पूछ रहे हो, मुझसे नहीं पूछ रहे हो? मैं आपको बताता हूँ, ये सब गुंडे उस औरत को और उसकी बेटी को बहुत देर से छेड़ रहे थे। तभी ये आदमी आया, इन गुंडों को अच्छे से सबक सिखाया। दिस इज प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री, नो सेफ्टी फॉर वुमेन। सब चले गए। मैडम आप बताइए क्या बोल रही हैं। प्लीज स्टॉप। नो नो प्लीज स्टॉप, स्टॉप इट, स्टॉप इट। देख लिया ना, उसने राई का पहाड़ बनाकर रख दिया है। पब्लिक में लड़ाई करना उसके लिए आम बात होगी, हमें घसीटने की क्या जरूरत थी? अभी भी आकाश के पापा को डांट रही हो? जिन लोगों ने आपको परेशान किया उन पर जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मिल्क शेक फेंकने की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं फेंको? आप उनसे इतना डर क्यों रही थी? मैं उनसे नहीं डरी थी, मैं तुम्हारी वजह से डर गई थी। मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, जल्दी गुस्सा आ जाता था। इसी गुस्से की वजह से तुम्हारे पापा की जान गई। कोलकाता में एक ऐसा ही मॉल था जहां मैं और तुम्हारे पापा शॉपिंग करने गए थे। क्या कर रहा है तूने? मुझे छुआ कैसे? छुआ कैसे हाँ? अनु बोल, क्यों छुआ? अनु क्या हुआ? बोल अनु क्या हुआ? क्या किसने मुझे छुआ? क्या कहा? बाहर निकल, अरे बाहर निकल। अनु, अरे अनु रुको, छोड़ो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अनु तूने छुआ कैसे? अनु मेरी बात सुनो। अनु छोड़ो, अनु छोड़ो, राय का बाहर मत बनाओ। अनु अनु क्या कर रही है? रुक जाओ। नहीं, इसे पुलिस के हवाले करके रहूंगी। नहीं 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 नहीं, अनु 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 जाने दो, इसे छोड़ दो, छोड़ दो, मैं कहता हूं। छोड़ दो मुझे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ अनु, चलो चलो मेरे साथ, चलो। संजय तुम्हें लगता है ये सब छोटी मोटी बातें हैं? उसने मुझे तुम्हारे सामने छेड़ने की कोशिश की और तुम चुप खड़े रहे। अनु मैं जब मैं वहाँ पर लड़ रही थी तो तुमने उससे कुछ नहीं कहा, मुझे ही रोक रहे थे। एक लड़की का विश्वास उसके पार्टनर में होता है। I feel really sorry to say this, संजय। मुझे अब तुम पर विश्वास नहीं रहा। Go to hell. बैठिए। उस गाड़ी का पीछा करो। Out!
संजय ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था संजय। कार में बैठो। What is all this? जल्दी। मैंने जो गलती की थी तुम दोहरा रही हो। अब मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हें खो दूं, इसीलिए हमेशा कहती हूं कि तुम शांत रहो। तो ये तुम्हारे पापा हैं? हाँ। तुम्हें अपने पापा की याद आती है? मेरे पैदा होने से पहले ही वो हमें छोड़कर चले गए थे, मुझे उनकी याद कैसे आ सकती है? चाहे कुछ भी हो, सबको अपने पापा की याद आती है। लेकिन तुम तो अपने पापा को पसंद नहीं करते ना? ऐसी बात नहीं है, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो लड़ाई करते हैं ना, वो मुझे पसंद नहीं है। अगर तुम्हें अपने पापा पसंद नहीं है तो तुम मुझे दे सकते हो, मैं सच बोल रही हूँ। ठीक है, तो फिर तुम मुझे अपनी मम्मी दोगी क्या? ओके, फिर हम सब एक साथ एक ही घर में रह सकते हैं। तुम्हारा मतलब तुम्हारी मम्मी और मेरे पापा एक दूसरे से शादी कर ले? हाँ। इससे अच्छा होगा अपनी मम्मी को अपने पास ही रखो। ए, मेरी बात तो सुनो, तुम्हें एक मम्मी मिल जाएगी, मुझे एक पापा, सोचो हम कितने खुश रहेंगे। शिवानी। ओहो, मम्मी आ रही है। जूस। थैंक यू मम्मी। आकाश, तुम कितने अच्छे बच्चे हो, क्यों ना अच्छी बातें शिवानी को भी सिखा दो। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? आहा, आकाश को सब पता है ना आकाश? शिवानी ने बताया था तुम्हें व्हाइट चॉकलेट पसंद है, ट्राई करके देखो। थैंक यू मम्मी। वेलकम। तुम सोच भी कैसे सकती हो, वो इतनी अच्छी होकर मेरे पापा से शादी करेंगी। ओए, एक बहादुर पापा और एक प्यारी सी माँ, तुम मैं हम सब एक ही घर में रहेंगे, सोचो कितना अच्छा होगा। और साथ साथ तुम्हारी मम्मी की खुशियाँ भी छिन जाएंगी। क्या तुम्हें सच में लगता है मेरी मम्मी खुश है? मम्मी को हमेशा डर लगता है कि हमें संभालने वाला कोई नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच में सीरियस हूँ। हाँ हाँ, मैं भी बहुत सीरियस हूँ, तुम्हारी मम्मी और मेरे पापा बहुत अलग हैं। देखो आ गए और बजा दिया हॉर्न, अब जो हमने बात की है वो सब भूल जाओ। मम्मी, आकाश के पापा आए हैं, जल्दी आओ। किस लिए? ताकि वो लड़ाई करें और हम टीवी पर आ जाएं? मैं नहीं आने वाली। अब जाओ। बाय मम्मी। सी यू आकाश। बाय। पापा। हाँ? आप पहली बार आए हो, अंदर चलो ना। ओके, ब्यूटीफुल। पापा, अभी इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है, हमें चलना चाहिए। कहाँ? शॉपिंग के लिए। शॉपिंग? आप खुद ही कहते हो और खुद ही भूल जाते हो, अब जल्दी चलो। मैं किसी और दिन आऊंगा बेटा। कोई बात नहीं पापा। बेटा, हमेशा मैनर्स का गाना गाते रहते हो, जब तुम्हारी दोस्त ने बुलाया था तो हमें जाना चाहिए था ना? शिवानी ने आपको बुलाया था ना, उसकी मम्मी ने तो नहीं बुलाया। उसकी मम्मी के बिना बुलाए अंदर जाते तो अच्छे मैनर्स नहीं होते। ओह, अच्छे मैनर्स, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बेवकूफ की तरह चला जाता, सब छोटी छोटी बातें मुझे बताते रहना बेटा। हे, मेरे फोन के साथ क्या कर रही हो? मैं तो फोटो देख रही हूँ मम्मी। यू आर सो क्यूट मम्मी। आई नो बेबी, अब बस करो, चलो सो जाओ। मम्मी वन सेकेंड। हो गया। Hi, how are you?
हेलो, बोलो शिवानी। मैंने मम्मी की फोटो मम्मी के ही फोन से तुम्हारे पापा को सेंड की है। अरे पागल, ये क्या कर दिया तुमने? पहले जाओ और देखो तुम्हारे पापा का क्या रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन? मैं उनके देखने से पहले ही डिलीट कर दूंगा। ए, ए! मेरी जिम्मेदारी तब तक है जब तक सामान पहुंच नहीं जाता। सामान पहुंच गया ना, अब तुम देखो। कहाँ चल दिया? अकाउंट का काम खत्म नहीं हुआ? पेट गुड़गुड़ कर रहा है। अभी तक तो सब ठीक था, अचानक क्या हो गया? पेट दर्द अचानक होता है, घंटी बजा के थोड़ी ना आता है। अच्छा, तुम्हारा पेट वहाँ ऊपर है? पिछले हफ्ते आपको पेट दर्द हुआ था और आपने सर पकड़ा, तो क्या मैंने आपको बोला था सर नहीं पेट पकड़ो? मैं बस ऐसा। अब सीखेंगे अच्छे मैनर्स। हे भगवान। तो गयो। शिवानी, ये तो भड़क गई। क्या हुआ मम्मी? ये देखो, अब उस आदमी ने मुझे मैसेज भेजा है कि वो ठीक है। मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि वो ठीक है या नहीं? वाओ, पापा तो कितने हैंडसम लग रहे हैं। क्या पापा? ये तुम्हारा पापा कब से बन गया? फिर आकाश आपको मम्मी क्यों बुलाता है? आकाश की मम्मी नहीं है ना, इसीलिए मुझे मम्मी कहता है। मेरे पास भी पापा नहीं है, इसलिए मैं पापा बुलाती हूँ। वो उसकी तरह नहीं है, वो तो बहुत अच्छा बच्चा है। और ये आदमी देर रात को लड़कियों को अपनी तस्वीर भेज रहा है, पूछेगा क्या पहना हुआ है, कैसे हो, ऐसे ही मैसेज करेगा। हे भगवान, ये भी तो हो सकता है ना कि पापा ने आपको ये गलती से भेज दिया हो। इसे अभी डिलीट कर देते हैं। लो, हो गया। अगली बार उसने मैसेज किया ना, साइबर सेल में कंप्लेन कर दूंगी। शिवानी, मेरे पापा ने एक बहुत ही कमाल की सेल्फी भेजी है, अपनी मम्मी के देखने से पहले ही उसे डिलीट कर दो। मेरी मम्मी वो पहले ही देख चुकी है और पहले ही ड्रामा कर चुकी है। अरे यार पापा भी ना, हमेशा गड़बड़ करते हैं। वैसे तुम्हारी मम्मी मेरे पापा को कभी भी पसंद नहीं करने वाली, चाहे जो भी हो जाए। मेरी मम्मी तुम्हें तो बहुत पसंद करती है, वैसे ही धीरे धीरे वो तुम्हारे पापा को भी पसंद करने लगेंगी। अब सुनो, कल से तुम मेरी मम्मी के साथ रहोगे और तुम्हारे पापा के साथ मैं रहूंगी। हाय मम्मी। हाय आकाश, तो तुमने एक डांस क्लास ज्वाइन कर ली है? नहीं मम्मी, शिवानी से बुक लेने आया था, लेकिन वो मुझे ढूंढती हुई म्यूजिक क्लास में चली गई है। अच्छा, ये बात है, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें म्यूजिक क्लास छोड़ दूंगी और वहीं से शिवानी को लेकर आ जाऊंगी। शिवानी वहाँ नहीं है मम्मी, मेरे पापा मुझे लेने आए थे ना, तो शिवानी उनके साथ चली गई। अब मैं आपके साथ जाऊंगा। ये बात है। अच्छा सुनो, मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। कोई बात नहीं मम्मी, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, लाओ मुझे दे दो। हमारा एक प्लान है। वो क्या? यही कि मुझे पापा के साथ रहना है और आकाश को मम्मी के साथ रहना है, और अब हमारा प्लान सक्सेस हो गया। पापा, याद है आपने एक दिन कहा था अगर आपके पास मेरे जैसी बेटी हो तो आपको बहुत खुशी होगी? क्या वो मजाक था? नहीं बेटा, सच में। वैसे बेटा हो या बेटी, सबको बहादुर होना चाहिए, मार खा के नहीं आना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। मम्मी, आकाश के पापा है कार में। हाँ, मैंने देख लिया। तो आपने उन्हें अंदर क्यों नहीं बुलाया? वो गाड़ी में सो रहे हैं। मैंने कहा था ना, वो उन्हें अंदर कभी नहीं बुलाएंगी। फट लो। पापा। चलो। ओहो, आकाश चला गया है क्या? हाँ मम्मी, मैं उसे चॉकलेट देना भूल ही गई। तुम जाकर दे दोगी? अच्छा, तो पापा को अंदर बुला लूं। ओके। ए आकाश, मम्मी ने चॉकलेट तुम्हारे लिए दी है,
थैंक यू पापा, मम्मी ने आपको इनवाइट किया है, प्लीज आइए ना। आज नहीं बेटा, किसी और दिन आऊंगा। ओके ठीक है पापा। बाय बाय। क्या है इसमें? व्हाइट चॉकलेट्स। तुम्हें व्हाइट चॉकलेट्स पसंद है? मम्मी को पता है कि मुझे व्हाइट चॉकलेट्स पसंद है, आप ही हो जिसे नहीं पता। शिवानी ने बताया होगा, शिवानी बहुत अच्छी बच्ची है, लेकिन उसकी मम्मी मुझे अंदर भी तो बुला सकती थी ना, घमंडी कहेंगी। आप उन्हें गलत मत समझो पापा, मम्मी बहुत अच्छी है, वो मुझे बहुत पसंद करती है। बेटा भला तुम्हें कोई पसंद क्यों नहीं करेगा? तुम अच्छे बच्चे हो, अच्छे मैनर्स वाले बच्चे हो। मुझे भी मम्मी बहुत पसंद है। अच्छा तो वो इतनी अच्छी है? मम्मी सच में बहुत प्यारी है, केयरिंग है, लविंग है। शिवानी की मम्मी सच में बहुत अच्छी है। पापा मेरी मम्मी भी बिल्कुल ऐसी ही थी ना। पापा कल मम्मी आपके बारे में बहुत बातें कर रही थी। यही कह रही होंगी कि मैं एक रास्कल हूँ, लड़ता रहता हूँ, गरम दिमाग है, यही सब कहा होगा ना? ऐसा कुछ नहीं कहा पापा। ऐसा ही कहा होगा, मुझे पक्का पता है। सुनो अगर तुम्हें कोई प्यार से चॉकलेट दे तो तुम्हें खाना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैंने वेस्ट कहा की, मैंने तो फ्रिज में रखी थी। ये लाते ही खाना चाहिए, फ्रिज में डालकर ठंडा करके नहीं, लो खाओ। छुट्टियों में भी तुम ये स्कूल की किताबें क्यों पढ़ रहे हो? ये स्कूल बुक नहीं है, चिकन सूप कहते हैं इसे। चिकन सूप मतलब खाना बनाने की किताब, तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? खाना बनाने की किताब नहीं, स्टोरी बुक है, इंस्पिरेशनल स्टोरीज Compiled by Jack Canfield and Mark Hansen. अच्छा तो इतनी बड़ी किताब है, पढ़ पढ़। कैसी है? Interesting stories. Hey, चॉकलेट के बारे में पूछ रहा हूँ। मम्मी ने दी है, अच्छी तो होगी। अच्छा कार में तुम कह रहे थे कि वो मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें कह रही थी। अच्छी अच्छी बातें? कौन सी अच्छी अच्छी बातें? ए, बात तो उसने तुमसे की थी और तुम मुझसे पूछ रहे हो? हाँ कुछ तो कहा था उन्होंने, सॉरी याद नहीं आ रहा। ओके अगर कुछ याद आए तो बता देना। आकाश आकाश आज तुम जल्दी सो गए? पापा 10 बज गए हैं। कहाँ अभी तो 9:55 हुए हैं, कुछ याद आया क्या? क्या शिवानी की मम्मी ने मेरे बारे में क्या कहा था? अभी मुझे नहीं याद आ रहा, नींद आ रही है, आप भी सो जाओ। ए, तुम्हें फालतू चीजों के बारे में सब कुछ याद रहता है, मटन सूप चिकन सूप, लेकिन उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा वो सब भूल गए तुम। गुड नाइट। शिवानी मुझे अपने पापा पर तरस आता है यार, आजकल उन्हें नींद ही नहीं आती, कल भी पूरी रात जाग रहे थे, मुझे भी सोने नहीं दिया। मुझे लगता है उन्हें साथ में लाने का प्लान छोड़ देना चाहिए यार। सबसे पहले हमें उन दोनों को मिलाना होगा। वो कैसे? मेरा बर्थडे किस दिन काम आएगा? शिवानी जल्दी उठकर तुम यहाँ आकर क्यों बैठ गई? मैं जानती हूँ तुम्हें बर्थडे पर नई ड्रेस चाहिए, सही कहा ना मैंने? ना मुझे बर्थडे चाहिए और ना ही ड्रेस। क्यों? क्योंकि हम दोनों ही सारी शॉपिंग करेंगे और हम दोनों ही केक लाएंगे
और सिर्फ हम दोनों ही सेलिब्रेट करेंगे। मुझे इसमें बिल्कुल मजा नहीं आता, मैं बोर हो गई हूँ। ठीक है, तुम इतना घुमा फिरा के बात क्यों कर रही हो? तुम आकाश और उसके पापा को बुलाना चाहती हो ना, यही बात है ना? तो हम उन्हें बुला लेना, वो आएंगे तो बड़ा मजा आएगा। चलो बुला लो। मैं बुलाऊंगी तो वो नहीं आएंगे, आपको इनवाइट करना होगा। ओके। थैंक यू मम्मी। अरे आकाश, अभी तक तुम लोग पार्टी में नहीं गए? अभी नहीं, उन्होंने कहा था तैयार होकर जाएंगे। 2 घंटे हो गए, अभी तक तैयार ही हो रहे हैं। धोती कमीज पहनने में उसे इतना वक्त क्यों लग रहा है? भास्कर, अंदर बेहोश तो नहीं हो गया वो? भास्कर। हाँ अभी आया, मतलब होश में ही है। Have a nice party. ऐसा लग रहा हूँ? ये क्या क्या हो गया है आपको? क्यों, अच्छा नहीं है? हम किसी फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं क्या? बर्थडे पार्टी में अच्छा दिखना चाहिए ना। इस बर्थडे पार्टी में ना हम 4 लोग ही हैं, आप, मैं, मम्मा और शिवानी। पार्टी तो पार्टी होती है ना। अच्छा ठीक है, चलो। रुको 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 रुको, ये कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं है अब। एक सेकेंड, ये अच्छा है। कपड़े पहले ही इतने चमकीले पहने, ऊपर से सनग्लासेस, जेब में रखो इसे। यहाँ कैसा रहेगा? चीप लगेगा पापा। अगर हीरो करे तो टॉप और मैं करूँ तो चीप। बड़े आए हीरो बनने। क्या बोला? कुछ नहीं, चलो। मम्मी, आकाश और उसके पापा आ गए हैं। जाओ उन्हें अंदर बुला लो। मम्मी तुम जाओ और लेकर आओ। क्या, मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हें जाना चाहिए। जाओ और उन्हें अंदर लेकर आओ, अगर मैं गई तो वो अंदर नहीं आएंगे। जाओ और उन्हें लेकर आओ। हाय मम्मी। हाय आकाश, कम। पापा भी आए हैं। हाँ उन्हें बुलाओ ना अंदर। एक्सक्यूज मी। पापा, मम्मी बुला रही है। हाय, अंदर आइए ना। थैंक यू। मम्मी, पापा इस ड्रेस में एकदम हीरो लग रहे हैं ना? या, चलिए अंदर। या। पापा, आप रोज ऐसे ही कपड़े पहना करो, धोती और शर्ट में मजा नहीं आता। ओके, ब्यूटीफुल। हैप्पी बर्थडे शिवानी। अरे हाँ। थैंक यू। मैनी मैनी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू पापा। आइए बैठिए। पापा, आपको हमारा घर कैसा लगा? बहुत बढ़िया है, मम्मी ने बहुत अच्छा संभाला है। शिवानी अंदर आना। आप लोग यहाँ बैठिए। शिवानी। आई मम्मी। ओहो। ये लो, उन्हें जाकर दो। आप जाकर दो ना। मैं क्यों? वो यहाँ पर लड़की देखने आए हैं क्या? जाओ तुम जाकर दो। नहीं आप जाओ। जिद मत करो। कहा ना, आप जाओ और जाकर दो। पापा। हाँ? ये ड्रेस कैसी है? ब्लैक ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगती है। ओहो पापा, मैं अपनी ड्रेस की बात कर रही हूँ। ओह, ये तो बहुत ही प्यारी है। मम्मी। हाँ? आप पापा के आने से पहले अलग अलग ड्रेस पहन के देख रही थी ना, अब तो पापा ने कह दिया ये बहुत अच्छी है। हे भगवान, जूस बहुत बढ़िया है, मम्मी ने अच्छे तरीके से बनाया है। पापा, ये पैकेट वाला जूस है। पैकेट जूस हुआ तो क्या हुआ, ढूंढ कर लाने में भी तो टैलेंट लगता है। आकाश, शिवानी,
यहाँ आओ केक काटते हैं, आइए ना। या हे, तुमने किसी और को भी बुलाया है? नहीं मम्मी। तो फिर कौन आया? मैं जाकर देखती हूँ। सॉरी, आई एम संजय, अनु का हस्बैंड। शिवानी मेरी बेटी है। मैं शिवानी को पहली बार देख रहा हूं। हैप्पी बर्थडे शिवानी, लव यू बेटा। उस गैंगस्टर ने मुझे गोली मारी, मुझे पता नहीं था मैं जिंदा बचूंगा, पर मेरा जिंदा बचना मेरे लिए दूसरा जन्म नहीं था, तुम्हें ढूंढना था। मेरे घर वालों ने भी मुझे कहा कि मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाऊंगा। फिर एक दिन तुम्हें न्यूज में देखा, तब मेरे अंदर उम्मीद की किरण जागी। आई एम सो हैप्पी नाउ। जैसा कि तुम चाहती थी, एज सून एज पॉसिबल हम लोग लीगल शादी कर लेंगे। शिवानी, दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल डे फॉर यू बिकॉज योर डैड इज बैक। एंजॉय द डे, सी यू लेटर। संजय, संजय हटिए हटिए, आने दीजिए, जगह बनाइए, हटिए हटिए, हट जाइए, आप बाहर वेट कीजिए। अनु, अनु, क्या हुआ तुझे? समझ में नहीं आ रहा क्या करूं? संजय को गोली लगी है। ओह नो, साइड हट जाइए, इमरजेंसी है, रास्ता खाली कीजिए। एक्सक्यूज मी, हटिए। क्या कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? यहाँ पर पूरी फैसिलिटीज नहीं है, इसलिए हम इनको शिफ्ट कर रहे हैं सिमर मेडिकल सेंटर में। आईसीयू एम्बुलेंस से आप इसमें नहीं आ सकते। हम सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। एक्सक्यूज मी, अ पेशेंट वाज ब्रॉट फ्रॉम संजीवन हॉस्पिटल, डू यू नो द ऑपरेटिंग थिएटर? पेशेंट का नाम संजय, संजय शर्मा। वन सेक मैम। सॉरी मैम, इस नाम का कोई पेशेंट नहीं है। No, he was brought from Sanjeevan Hospital in your ambulance. नहीं मैम, हमने कोई एम्बुलेंस नहीं भेजी। Are you sure? Yes ma'am. Please check it out with some other hospitals. सीमर मेडिकल सेंटर बोला था, फिर वो कहाँ लेकर गए होंगे? Okay, okay. तो मेरे साथ चल। आप में से अनु कौन है? मैं। अंदर बुलाया। प्लीज बी सीटेड। संजय शर्मा को कितने वक्त से जानती हैं? पिछले एक साल से, जब मैं कोलकाता यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी हम लोग वहीं मिले थे। तो आप दोनों एक साल से साथ में हैं, बिना शादी किए? यस सर, वी आर लिविंग टुगेदर। और आपके परिवार के लोग? वो सभी कनाडा में रहते हैं। आप कभी संजय के परिवार से मिले? मैं उनसे कभी नहीं मिली, वो बेंगलुरु में है। असल में हम मिलने जाने वाले थे और हमारी शादी होने वाली थी, इसी दौरान ये सब हो गया।
आपके परिवार को पता है कि आप शादी करने वाले हैं? नहीं सर। अपने परिवार को क्यों नहीं बताया? आपको शादी करने की इतनी जल्दी क्यों है? क्योंकि मैं यू आर प्रेग्नेंट राइट? यस सर। जसवंत मल्होत्रा की बेटी हो ना? यस सर। आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे? ओके। तुम और संजय ने ही इस लड़की के बाप को मारा है ना? और तुम अभी भी इसके दोस्त होने का नाटक कर रही हो, किस लिए? सर, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाहते हैं। शट अप! यू नो एवरीथिंग। संजय को गोली किसने मारी है? इस समय संजय कहां है? तुम सब जानती हो। डोंट प्ले विद अस। मुझे कुछ भी नहीं पता है सर। मेरा विश्वास कीजिए, कसम से मुझे कुछ नहीं पता। मुझे पता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम जैसा समझती हो संजय वैसा आदमी नहीं है। ही इज अ प्रोफेशनल किलर एंड अ शार्प शूटर। तुम्हारी दोस्त के पिता जसवंत मल्होत्रा इंडिया के मशहूर जियोलॉजिकल साइंटिस्ट थे। उन्हें पता लग चुका था प्लूटोनियम की खान भारत में कहां कहां है और भारत को इसका फायदा दिलाने के लिए इसे एक रहस्य बना रखा था। दूसरे देश के कुछ लोगों को यह जानकारी चाहिए थी। इस काम के लिए उन्होंने इंडिया के गैंगस्टर्स को चुना। संजय उन्हीं में से एक था। साइंटिस्ट जसवंत मल्होत्रा की सिक्योरिटी को पार करना नामुमकिन था। जैसा कि साइंटिस्ट की बेटी तुम्हारी दोस्त थी, उसने तुम्हारा इस्तेमाल उसके घर में घुसने के लिए किया। उन्हें मारने के लिए वो तुम्हारे साथ पार्टी में आया। अरे रुको रुको रुको, ये मेरे दोस्त हैं, इनकी तलाशी की जरूरत नहीं। हाय नु, कैसी हो? दिस इज संजय। हाय हाय संजय, सब कुछ अच्छे से होगा। हाँ, बिल्कुल। हाँ। उस दिन से हम उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझने के लिए कि उसके पीछे कौन है। हमने उसे खुला छोड़ा हुआ था। और ये जो संजय को गोली लगी है और उसका अपहरण हुआ है, उसके पीछे उसी गैंग का हाथ हो सकता है। तुम इस बारे में कुछ नहीं जानती। अनु, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम कलकत्ता छोड़ दो और ये बात तुम अपनी दोस्त को भी मत बताना। ये तुम्हारे और होने वाले बच्चे के लिए जरूरी है, क्योंकि तुम मेरे शहर की रहने वाली हो, इसलिए तुम्हारी हेल्प करूंगा। चली जाओ तुम यहां से। गो गो अवे। तुम्हें ऐसे गुंडे से डरने की जरूरत नहीं जिसने तुम्हें और शिवानी को अकेले छोड़ दिया। जब तक तुम और शिवानी अकेले रहोगे तब तक परेशानी आएगी। बेटा, यह मत समझना कि मैं एहसान कर रहा हूं, बल्कि हकीकत तो यह है कि मैं खुद तुम्हें अपनी बहू के रूप में देखना चाहता हूँ। बैठिए ना अंकल। इससे मेरे बेटे को एक अच्छी बीवी ही नहीं बल्कि मेरे पोते को अच्छी माँ भी मिल जाएगी। नहीं अंकल, एक और शादी, इस बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। इस वक्त मैं सिर्फ शिवानी और उसके भविष्य के बारे में सोच रही हूँ। इसीलिए तो मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ, अपनी बेटी को अच्छा भविष्य देना चाहती हो तो मुझे लगता है तुम्हें शादी करनी चाहिए। भास्कर भी शिवानी को बहुत चाहता है। मैं जानती हूँ अंकल, लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊंगी। I'm sorry. नहीं नहीं अंकल, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। बात यह है कि मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती। सॉरी अंकल। इट्स ओके, मैं तुम पर बिल्कुल दबाव नहीं डालना चाहता बेटा। Oh,
मैंने ही दादू को आपसे बात करने के लिए कहा था। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अगर मुझे पता होता कि आपको इतना दुख होगा तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। I'm sorry, मम्मी। I'm really sorry. अरे आकाश, मम्मी शादी करने के लिए मान गई हैं। वो पापा से बात करना चाहती है। कल मैं और मम्मी पापा से ऑफिस में मिलने जाएंगे। सुपर, चलो चलकर दादू को बताते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो पापा। हाँ मम्मी आपसे बात करना चाहती है, हम ऑफिस ही आ रहे हैं। हाँ ओके, ब्यूटीफुल, मैं यही इंतजार करूंगा। ए, हाँ बोझ भाई, आज खास मेहमान आ रहे हैं, ध्यान रहे कोई अंदर ना आए। ठीक है बोझ भाई। ए, शटर गिराने को बोलो। चलो शटर गिराओ, शटर गिराओ। ए, शटर क्यों गिरा रहे हो? आपने तो बोला किसी को अंदर मत आने। अरे मेरा मतलब ऑफिस से था, मॉल से नहीं। शटर उठाने को बोल। अरे शटर उठाओ, शटर उठाओ। क्यों, ऑफिस बंद कर दे। फिर मैं अंदर कैसे जाऊंगा? हाँ वही तो, आप कैसे जाएंगे? ऑफिस खोलने को बोल। शटर का क्या होगा? दांत तोड़ दूंगा गधेड़ा। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग। खड़े क्यों हो रहे हैं? बैठे रहिए, आप मुझसे बड़े हैं। बिल्कुल सही। अरे औरतों की साड़ी का पल्लू खींचने में शर्म नहीं आती काका? पुतला है बाबा। पुतला नहीं, पुतली है। एक्सक्यूज मी। यस। ये मिस्टर भास्कर है ना? हाँ यही है। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मतलब? अरे ये मॉल उन्हीं का है। हेलो बॉस, आपसे कोई मैडम मिलना चाहती है। हाँ मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ, भेज दो। मेहमान आ रहे हैं, किसी को अंदर मत आने देना। आपने बोल दिया, मच्छर भी नहीं आने दूंगा। अच्छा तो ये है खास, कितने दूर कितने पास। एक्सक्यूज मी। यस मैडम, ही किधर गई? मिस्टर भास्कर भाई बोले रहे थे यू कमिंग, तो वो सिटिंग वेटिंग। अच्छा ओके ओके, मैं जाती हूं। हेलो। भास्कर आप ये यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ शॉपिंग करने आई थी, पर पता चला कि ये आपका मॉल है, इसलिए आपको थैंक्स बोलने आ गई। थैंक्स? वो किस लिए? सिद्धार्थ तो मैं शादी कर रहे हैं और ये सब आपकी वजह से हो पाया। थैंक यू सो मच। बॉस ने सख्त मना किया कि मैं किसी को भी अंदर जाने न दूं, यहां तक कि शटर भी गिराने को बोल दिया। मैंने कहा डोंट वरी, हम संभाल लेंगे, सीक्रेट मीटिंग। थैंक यू सो मच, वेरी काइंड ऑफ यू। ओह थैंक यू, थैंक यू सो मच। अरे सुनिए, रुकिए। चलो शिवानी। अरे ये क्या हो गया शिवानी? चलो मम्मी। ये यहाँ कैसे आ गई? इनको तूने अंदर जाने दिया? वो खास मेहमान है ना। ओ मम्मी। अरे ये डुप्लीकेट कब घुस गए? अरे कल्याणी, अब अन्नू, अन्नू क्या बॉस, आपने दोनों को एक ही वक्त पर बुलाया। वो वहाँ तुम्हें ढूंढते हुए कैसे आ गई और गले क्यों लग रही थी? मुंबई के लोगों के लिए गले मिलना आम बात है, आपको इतना भी नहीं पता? मुझे तो ये पता है, लेकिन जिसने देखा उसे नहीं पता। बिना जाने की वहाँ क्या हो रहा है, गुस्सा हो गई और चली गई। देख बेटा, अगर कोई लड़की इस बात से जलती है कि किसी दूसरी लड़की ने तुम्हें गले लगाया है, तो वो तुमसे प्यार करती है। फिर तो मुझे उसे फोन करना चाहिए। फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले उससे आमने सामने बात करो, जब तक मेरा बेटा अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर लेता। बॉस, बिग बॉस आपको शिवानी की मम्मी से बात करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन पहले आपको कल्याणी से माफी मांगनी पड़ेगी। कल्याणी से माफी क्यों मांगू? क्योंकि जब आपने उसको गले लगाया तो आप बड़े चुपचाप थे, एंजॉय कर रहे थे। इतने दिनों से मैं उससे छुप कर रह रही थी, लेकिन अब वो यहाँ आ गया है। संजय चाहे कितना भी बदल गया हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। उसने जो धोखा दिया था वही मेरे लिए काफी है। मुझे इस बात की फिक्र है कि शिवानी को उससे दूर कैसे रखा जाए। शिवानी तुम्हें पापा बुलाती है, आकाश मुझे मम्मी बुलाता है, और इस बारे में तुम्हारे पापा ने भी मुझसे बात की है। तो ये सिर्फ बच्चों और मेरे पापा के लिए? अले ले, जो लड़का लड़की भाग गए थे वो भी शादी करने आ गए, लेकिन हमारे बोझ भाई और शिवानी की मम्मी नहीं पहुँचे, ऐसे थोड़ी होता है। वो तो ठीक है, बॉस और शिवानी की मम्मी आज शादी कर लेंगे, लेकिन हनी भी कब होगा? हनी भी? अरे वही जिसमें नया जोड़ा छुट्टी मनाने जाता है। वो हनी भी नहीं है, गनीमून है। गनीमत है। रॉकी,
लोग परिवार बढ़ाने के लिए हनीमून जाते हैं, इनका परिवार तो पहले से है, फिर क्यों जा रहे हैं? डीले, बॉस के पास अपना बेटा है, मैडम के पास अपनी बेटी है, दोनों ने मिलकर कुछ नहीं किया ना, इसलिए जा रहे हैं। मम्मी, मम्मी। हाँ मम्मी, जल्दी करो ना, सब लोग निकल चुके हैं। मैं भी ऑलमोस्ट तैयार हूँ। हम भी निकल रहे हैं दादू। शिवानी, 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 मम्मी, शिवानी, 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 संजय, मेरी बच्ची को छोड़ दो। हमारी बच्ची? ये कहो कि हमारी बच्ची, तुम शादी करने जा रही हो ना, जाओ, जब तक शादी करके आओगी तब तक तो हम कोलकाता पहुंच चुके होंगे। तुम किससे शादी कर रही हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, और मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं, पर अपनी बच्ची से मिलने के लिए मुझे किसी की परमिशन लेनी पड़े ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे दूल्हा आ गया। बॉस भाई, आराम से, आराम से, अभी तक दुल्हन नहीं आई है। अरे अभी अभी तो दुल्हन अंदर नहीं है। वो दुल्हन इनकी वाली नहीं है बेवकूफ। बॉस अभी कोई जल्दी नहीं है, दुल्हन अभी तक नहीं आई है। अरे डीले, मैंने वही तो बोला, अभी जल्दी नहीं है, दुल्हन आई नहीं है। तो फिर उस दुल्हन से अपने को क्या? चुप, बंद करो ये नौटंकी। वो तो दादू, मम्मी का फोन आ रहा है। ओ बोलो बेटा। अंकल, मैं शादी के लिए नहीं आ पाऊंगी, सॉरी। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? तुम बाराती नहीं हो जो ना पहुंच पाओ और सॉरी कह दो। ये तुम्हारी शादी है। मैं वहां नहीं आ सकती अंकल, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। हेलो, हेलो, क्या हुआ पापा? वो कह रही कि शादी में नहीं पहुंच पाएगी, लगता है कोई परेशानी है। परेशानी तो शादी के बाद आती है, मेरी शादी के बाद आई थी। अरे अकल तो घुटनों में ही है, मुझे लगता है कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, तभी वो यहाँ नहीं आ सकती है। वो यहाँ नहीं आ सकती तो क्या हुआ, हम वहाँ जा सकते हैं। अर्नोल्ड, मैं समझ गया बॉस, चलो। अरे डोले, दिखाना बंद कर भाई। ए, चलो सबको उठा लेते हैं। पहन मत लेना। सर, आज से आपका ट्रांसफर हो गया है? लगता है सर को इंग्लिश नहीं आती। हम तुमको यहाँ से उठा ले जाएंगे। तू मुझे नहीं उठा पाएगा। अरे मैं नहीं, ये चल रहे, उठा भाई। अबे रुक, मैं कानून का वफादार आदमी हूँ, पिछले 25 सालों से मैं इस कुर्सी पे जम के बैठा हूँ, इससे मुझे कोई नहीं उठा सका, समझे? से नहीं उठना है तो उठ जा, वरना कुर्सी के साथ उठा लो। बहुत भारी है, जोर लगा के। आने दो, आने दो, आने दो। खा के पेट अरे रॉन्ग नंबर, गलत घर में आ गया। ए देवदास, पी रखी है क्या, इतना बड़बड़ा क्यों रहा है? अरे हम गलत घर में आ गए, वो देखो। अरे रोक, क्यों लेके आया, गलत घर में आ गए क्या? सॉरी सर, चलो उठाओ इसे। सॉरी है, चलो रिवर्स। ये रोको रोको, ब्रेक लगाओ, ये वही घर है, बच्ची की फोटो लगी है, देखो। वो फोटो नहीं है, वो खुद है। चलो कौन हो तुम लोग? हम लोग दूल्हे की तरफ से आए हैं, और ये है रजिस्टर, एक ऑफिसर, और इनका नाम है सुंदरम। हाँ, नाम सुंदरम है, पर चेहरे के साथ मैच नहीं होता है। ए, वो तो ठीक है, पर तुम कौन हो? अरे तो दुल्हन की तरफ से है। हाँ, तो मैं तो कह रहा था। तुम सब इतना शोर क्यों मचा रहे हो? कुछ नहीं बॉस, रजिस्टर तैयार है, रजिस्ट्रार तैयार है, अगर दूल्हा दुल्हन यहाँ होते हनीमून हो जाता, मतलब शादी हो जाती। अरे भास्कर को तो बुला लाओ। बॉस भाई, बॉस भाई, रजिस्ट्रार बुला रहे हैं, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। अबे मूर्ख, बॉस जहाँ खड़े होते हैं मुहूर्त वहीं से शुरू होता है, क्यों है ना बॉस? तुम घर जाओ और बाकी चीजों का ध्यान रखना, मैं शादी के बाद वहाँ आता हूँ। आप? हाय, मैं रविंद्र सिंह, मेरा बेटा अनु से शादी कर रहा है। आप अनु से ही पूछ लीजिए कि मैं कौन हूँ। ये शिवानी के पिता हैं। Oh,
इससे डरकर शादी के लिए मना किया है ना? हम तुम्हारे सामने शादी करेंगे, वो भी लीगली शादी करेंगे। रजिस्ट्रार किताब खोलो। मैं तैयार हूँ सर, लेकिन नियम के हिसाब से मुझे कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। मैं तो मजाक कर रहा था, जब आप यहाँ हो तो सारे सवाल के जवाब मिल गए। भास्कर, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। क्या तुम ये शादी नहीं चाहती? सुना नहीं उसने तुमसे क्या कहा? अब बारात लो और निकलो यहाँ से। रुको भास्कर, रुक जाओ, ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज भास्कर, अंकल आप ही को समझाइए। छोड़ो, ये कोई लड़ाई करके समझाने वाला मसला नहीं है, ये शादी है। भास्कर चलो यहाँ से। मैंने कहा चलो। बेटा आई एम सॉरी बेटा, देखिए पहले इन्हें घर छोड़कर आओ। कम लगा था ये दुल्हन की तरफ से, पर ये तो उसका पति निकला। ध्यान से सुनो, जैसे ही दूल्हा दुल्हन गाड़ी से निकले, मतलब जैसे ही अपना पैर गाड़ी से नीचे रखे, खाना नहीं मिलेगा। आर्नोल्ड, रॉकी, जैसे ही गाड़ी से पैर नीचे रखे पटाखे फोड़ देना तुम। सुन रॉकी, पटाखे तो ये अकेला फोड़ लेगा, लेकिन बैंड कौन बजाएगा? उसका नो टेंशन भाई, बैंड के लिए वो है ना नेपाली। नेपाली? अरे तुम्हें क्या पता, नेपाली सारे काम करते हैं, बड़े से छोटा काम, हर एक काम एक जैसा उनके लिए। मतलब तुम हमारे लोगों को काम नहीं दोगे? अरे हमारे तुम्हारे क्या, सबको काम मिलेगा, जो पहले आए उनको पहले मिलेगा। ए भाई तुम लीडर होने, मेरी बात ध्यान से सुनना हो। फटाके धुड़ुम 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 स्टॉप, बैंड बजा ढक्कर 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 स्टार्ट। और ध्यान रखना, एक भी गलती हो गई ना तो पैसा नहीं। पैसा नहीं ना, पैसा नहीं। अरे पैसा नहीं देंगे, चलो छोड़ यहां से। मतलब पैसा नहीं, अरे ये लोग कहां जा रहे हैं? अरे अरे भाई, अरे वापस ले जाओ, पैसा चाहिए, पैसा पैसा है, आइए। हां तो दो ना। अरे रॉकी, इन्हें कैसे समझाएंगे? ओ शाह जी, एक बात अच्छी तरह से सुन लो, पटाखे बजते ही बैंड बंद हो जाना चाहिए। बैंड स्टार्ट करने का, पटाखे बंद, बैंड बजेगा धुड़ुम धुड़ुम धुड़ुम, पटाखे धड़ाम धड़ाम। कहना क्या साहब, बेवड़ा भी है क्या? पटाखा बंद करे, बैंड चालू करना, बैंड को चालू करना, पटाखा बंद, बस इतना ही ना साहब? तुम तो राय का पहाड़ बनाता है। कौन उल्लू का पट्टा पटाखे चला रहा है? बोलना। नया जोड़ा घर आता है तो पटाखे बजते हैं। बेवकूफ, शादी नहीं हुई है। मम्मी मरी गई हो। ए पटाखे बंद करो, पटाखे बंद करो, बंद करो। हमने शादी होने से तो रोक लिया, लेकिन पटाखों को नहीं रोक पाए। पानी डालो उन पर। मैं अभी पटाखे बंद करवाता हूँ। पानी लेके भाई, पानी लेके आओ, अभी लाता हूँ। दिवाली हो गई, होली खेलनी है, पानी लाओ, पानी लाओ, ये लो, ये लो, पानी लाने को बोला था पटाखे नहीं, जा पानी लेके आए। क्या कर दिया तुमने? मम्मी लो, अरे बुझ जाओ, बुझ जाओ, बुझ जाओ। गंगा जल की तरह छिड़क रहा है, पूरी बाल्टी भर के ऐसे डालने का भाई, ऐसे ऐसे पटाखे को लगना चाहिए बाढ़ आई। हाँ, शांति कितनी अच्छी लगती है। बेवकूफ, ये चालू हो गए, कोई रोको भाई, ये बंद करो। पटाखे बंद हो गए बॉस। क्या हो रहा है? मेरा फेवरेट गाना है। मैं करवाता हूँ, ये बंद करने भाई, उसको डांस कर लेते हैं, बाद में बंद कराता हूँ। ये डांस करना बंद कर दे भाई, ये डिस्को गणपति डांस वाला, ये बंद करो, बंद करो, बस बस, ये दुकान बंद, इधर आओ, बंद करो ने, बंद करो, ये बैंड बजाना बंद करो, मैं मैड हो जाऊंगा इसके अंदर। बंद करो साहब, तुमको टाइमिंग बढ़िया लगा ना? दिमाग खराब मत कर, तेरी टाइमिंग बिल्कुल ठीक नहीं थी। दफा करो इन्हें यहाँ से। ठीक है बॉस दादा, चलो चलो घर जाओ, घर जाओ। बॉस 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 भाई, बॉस भाई, हमें माफ कर दो बॉस भाई, ऐसा पहली बार हो रहा है कि आप दूसरी बार शादी कर रहे हो, तो मौके को यादगार बनाने के लिए किया। हमसे छोटी सी गलती हो गई बॉस। हमें माफ कर दो बॉस भाई, माथे पे हाथ रख के बोलो माफ किया। बॉस चले गए। अरे चले गए, ये खटारा किसका है, हलवाई वाले का है क्या? ए ढीले, इसको इधर किधर ले आया? बॉस ने मुझे इसे घर लाने के लिए कहा था। लेकिन इस बंदर को घर लाने के लिए क्यों कहा? सुबह से मैं यही पूछ रहा हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। ये बेवड़ा मुझे कुछ और ही बताते जा रहा है। ए, रॉकी! अरे, बॉस भाई, अभी आया। हाँ बॉस भाई,
ये किसने किया ये? इस गधेड़े को पूछिए, इस बेवड़े से पूछिए। ए सबको छटा और बाहर फेंक दो। अरे मम्मी, बचा कुचा फटाका फूट गया, जो तभी नहीं फूटे अभी फूटे, ये हमने लिस्ट में नहीं रखा था। बैंड भी अपने आप बजने लगा। मैं अपनी बज रहा, इसने कहा था। मुझे लगता है इसने थोड़ी पी रखी होगी ना, इसलिए जाओ बंद करवाओ, नहीं तो मैं सबकी उतार दूंगा। चलो भाई। शाम जी टाइमिंग ठीक था ना? अरे मरी क्यों? यू हैप्पी? अरे भाई इसको बोलो, हाँ हम हैप्पी है, तुम गो जाओ, आगे जाओ ना, आगे जाओ आगे जाओ, अपने ही घर जाना। सर आप मुझे कब छोड़ेंगे? एक सरकारी ऑफिसर लॉन्च ब्रेक लंच ब्रेक में कोई काम नहीं करता और आप उससे काम करा रहे हैं। अरे तुम इसे यहाँ क्यों लेके आए? आप ही ने तो बोला था घर ले जाओ। मारूंगा अभी, इसे इसके घर छोड़ने के लिए कहा था। आपने ठीक से कहा समझा? मैं भी आप ही के शब्दों में यही कह रहा था, लेकिन ये बेवड़ा कुछ उल्टा ही काम कर रहा है। ए, चल जा छोड़ कर आ। चलो शुरू करो। आकाश। ए, रुक जाओ, मैं उसके पीछे गया था, वो भी तो तुम्हारी मां बनना चाहती थी, कहा था ना उसने, फिर उसने हम सबकी इज्जत को क्यों उछाला? ए, इधर आ। तुम्हें मुझे अपना बाप कहने में शर्म आती है ना? तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम मेरी जिंदगी हो। एक दिन तुमने पूछा था ना कि क्या वो तुम्हारी मां की तरह है? तुम्हारी मां की जगह कोई नहीं ले सकता। तुम्हें जन्म देते हुए वो मर सकती है, यह सच उसने हमसे छुपा कर रखा था। सिर्फ मेरे लिए उसने तुम्हें जन्म दिया है। तुम्हारे जन्म के पहले से ही वो तुमसे बहुत प्यार करती थी। नहीं, कोई भी तुम्हारी मां की जगह नहीं ले सकता। मैं थोड़ा गर्म दिमाग हूं, अनपढ़ रास्कल, हां, लेकिन उसकी तरह मैंने कभी अपना वादा नहीं तोड़ा। आज के बाद किसी को मम्मी बोलकर यहां लाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुड नाइट। अब हम पापा और मम्मी को कभी साथ नहीं देख पाएंगे। तुम दोनों यहां मुंह फुलाए क्यों बैठे हो? हम दोनों ने एक फैसला किया है, तुम और तुम्हारी मम्मी एक साथ कनाडा जाएंगे। ओके? पहले दादा दादी को पता चलना चाहिए, और जब वापस आ जाओगे तो हम सभी एक साथ रहेंगे। देखो तो बच्चे कितने खुश लग रहे हैं। लेकिन
कनाडा पहुंचने के बाद मैं इसे कैसे संभाल पाऊंगी। इस नाटक में मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। बड़े लोगों के सामने नाटक करना आसान है, बच्चों के सामने नाटक करना मुश्किल। तुम्हारे साथ खेल रही थी ना, ध्यान नहीं रख सकते? शिवानी, 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 संजय, शिवानी कहाँ है? शिवानी, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैं तो अभी आया हूँ। संजय, झूठ मत बोलो, तुमने ही कुछ किया है। अरे मैंने कुछ नहीं किया, वो जरूर यहीं कहीं खेल रही होगी। आओ चलो। शिवानी, 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 आ जाओ अनु, आओ आओ अंदर आओ। इस बच्ची को ढूंढ रही हो? ये खरगोश के पीछे आई थी। तुम दोनों सही जगह पर पहुंची हो। शिवानी, हाँ? नाम भी इसकी तरह बहुत ही सुंदर है। ऐसे क्यों देख रहे हो? अनु को बताओ कि मैं कौन हूं। तुम उसे नहीं बताओगे? ओके, तो मैं ही बता देता हूं। अनु, मैं ही इस अपराधी का अभागा और बदकिस्मत बाप हूं मैं, और ये इसकी माँ है। जैसे ही हमें पता चला कि तुम लोग यहां पर हो, हम यहीं चले आए। बेटी, अपने बेटे की गई गलतियों के लिए हम तुमसे और अपनी पोती से माफी मांगते हैं। शिवानी, चलो। ए, ये मेरी पोती है। ए, उसे यहाँ तो ऐसे लेकर आए जैसे किडनैप किया हो। जरा भी अंदाजा है हम इसे कितनी देर से ढूंढ रहे हैं? अरे मैं इसका दादा हूँ। ए, तुम्हें जो बकवास करनी है करते रहो। अनु, अब चलो। ए, ये कौन है? क्या तुम मुझे फिर से धोखा देना चाहते हो? किशोर, तुम्हारा काम कब का हो जाता, पर ये रास्ते का रोड़ा है ना, जब तक ये नहीं हटेगा तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो ये है रास्ते का रोड़ा, लेकिन अब नहीं रहेगा।
मुझे मारने के लिए आदमी भेजे? मेरे इलाके में मुझे मारने आयो? एए, तुम्हारा इस घर से रिश्ता ही क्या है? तुम क्यों परेशानियां खड़ी करते हो? मैं परेशानी खड़ी नहीं कर रहा हूँ। परेशानी की जड़ तुम और तुम्हारा ये बेटा है। भाड़े के टट्टू भेजते हो, मारना है तो किसी स्ट्रॉन्ग आदमी को भेजो, नहीं तो मैं तुम्हारे ठिकाने पर आता हूँ। जरूर तुम कोई बहुत बड़े गैंगस्टर हो। ये हमारे परिवार का मसला है। हम अपनी पोती और अपनी बहू को यहाँ से लेने आए हैं। पापा। शिवानी। अगर बच्ची को हाथ भी लगाया ना तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बात करने की? रास्कल। रास्कल होगा तेरा। भास्कर। भास्कर क्या कर रहे? सलीम रुको। आई एम सॉरी भास्कर, पापा थोड़े से भावुक हो गए, पर मैंने तुमसे कहा था ना मेरी बीवी और बच्चे का पीछा छोड़ दो। कौन है तेरी बीवी? तूने उसे शादी की है? किसी लड़की को फुसला कर उसके साथ खिलवाड़ करके कोई पति नहीं बन जाता। रास्कल। Stop it! भगवान के लिए आप सभी लोग चले जाइए, थोड़ी देर शांति से रहने दीजिए। शिवानी मेरे साथ आओ। सब लोग मुझे ही क्यों परेशान कर रहे हैं? मैंने तुमसे कहा ना ऊपर आओ। जाओ बेटी। जिस दिन से इसने मुझे पापा बुलाया है उस दिन से ये मेरी बेटी है। पापा, मम्मी ने हमें बाहर जाने के लिए नहीं कहा था, बल्कि उन्हें कहा था। वो बहुत टेंशन में है इसलिए चिल्लाई। उन्हें गलत मत समझो। नहीं बेटा, उसने हमें भी बाहर जाने के लिए कहा। नहीं पापा, अभी देखना मम्मी बालकनी में आएंगी और हमें देखेंगी। आकाश गाड़ी में बैठो। ए लड़के, रोते नहीं है। देखो बेटा, हम शिवानी और उसकी मम्मी को लेकर हार नहीं मान सकते। ए, उस दिन मैंने गुस्से में बोल दिया था, अपने दिल पर मत लो। मैं हूं ना शिवानी की मम्मी, तुम्हारी मम्मी भी है। अब रोना बंद करो। मैं मम्मी के लिए नहीं रो रहा हूँ पापा, मैं आपके लिए रो रहा हूँ। मेरे लिए? आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है ना पापा, क्योंकि मुझे एक माँ चाहिए, पर मुझे ऐसी माँ नहीं चाहिए जो आपको पसंद ना करे। I love you, पापा। अगर तुम नहीं चाहते तो ये मैं भी नहीं चाहता। शांत हो जाओ, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। मैं अपने मम्मी पापा के साथ कनाडा में सेटल होना चाहती हूँ। ये कैसे हो सकता है? तुम सबको मेरे साथ ही रहना होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। अनु। संजय। इतने सालों से दर्द दे रहे हो, तुम्हारा मन नहीं भरा? सॉरी बेटा, सॉरी। इन्हें कनाडा जाने दो, वक्त के साथ हो सकता है इसका मन बदल जाए और ये वापस आ जाए। तुम जाओ बेटी, लेकिन कनाडा जाने से पहले कम से कम एक बार कलकत्ता जरूर आना। ये नहीं हो सकता। अनु, ऐसी बातें मत करो, हमारी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। इसकी ये गलती की वजह से हम सब की जिंदगी खतरे में आ गई है, और अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगी तो वो गुंडे हमें जरूर मार डालेंगे। मैं हाथ जोड़कर भीख मांगता हूँ, भगवान के लिए एक बार कलकत्ता चलो। सुनो, 7 साल पहले
जब तुम लोग कलकत्ता में थे तुम्हें रखने के लिए इसने कुछ दिया था और बैंक लॉकर में रखने के लिए कहा था, कुछ याद है? I'm sorry, अनु, जो चीज तुमसे रखवाई थी वो बहुत कीमती थी। उसकी असलियत क्या है ना मैंने कभी बताया ना तुमने कभी पूछा। वैसे अब वो कहां पर है? वो तो लॉकर में ही होगा। उसी सामान के लिए उन लोगों ने इसे गोली मारी थी और फिर पुलिस और गैंग वालों ने इसे पूछताछ के लिए इसे बहुत टॉर्चर किया था। अनु, अब उस गैंग को पता चल गया है कि तुम कहां रहती हो और उन्हीं लोगों ने आज तुम पर हमला किया था। इससे पहले कि ये लोग तुम और तुम्हारी बेटी के लिए खतरा बन जाएं, हम कलकत्ता चलते हैं और सामान उसे लौटा देते हैं, ठीक है ना? शिवानी, मैं चलती हूँ अंकल। संभल कर जाना। आकाश, टेक केयर। शिवानी, संजय, शिवानी क्या कर रही हो बेटा? चलो कार में। मैं नहीं बैठूंगी, आकाश और उसके पापा चलेंगे तो ही आऊंगी। जाओ बेटी, अभी हमारी क्या जरूरत है, तुम लोग दो दिन में वापस आ जाओगे। नहीं, हम वापस नहीं आएंगे, मम्मी झूठ बोल रही हैं। अब शिवानी तुम साथ में आ रही हो या नहीं? अगर आप मुझे यहाँ से जबरदस्ती ले जाएंगी तो मैं एयरपोर्ट से भाग जाऊंगी। मम्मी को परेशान मत करो, चलो बेटा। आप और आकाश कोलकाता तक भी साथ नहीं आ सकते क्या? कम से कम दो दिन तो आप लोगों के साथ रह पाऊंगी, प्लीज पापा प्लीज। शिवानी प्लीज। चलो छोड़ो भी, तुम अभी क्या सोच रहे हो, दो दिन की बात यूं गए यूं आए। नहीं पापा, मैं नहीं। अरे बच्चों के लिए मान लो। ओके। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। चलो आकाश, जाओ बेटा। हाँ दादू। आकाश आ जाओ। ए आकाश, तुम्हें पता है मैंने तुम लोगों को आने के लिए क्यों कहा? क्योंकि मम्मी और पापा को साथ में लाने का ये लास्ट चांस है। कैसा है मेरा प्लान? तुम्हारा प्लान तो हमेशा बढ़िया ही होता है, लेकिन बकरा तो मैं और पापा ही बनते हैं। अपना मुंह बंद रखो टम्बो। रुको अनु, तुम अकेली जाओ, हम लोग वेट करते हैं। आकाश, चलो निकलते हैं। जब तक ये हमें ढूंढ पाएंगे फ्लाइट छूट जाएगी, यही मेरा प्लान है। भास्कर, बच्चे कहाँ गए? अभी अभी तो यहीं थे। शिवानी, आकाश, संजय, बॉक्स। और बच्चे? मुझे बच्चों से मतलब नहीं है, बॉक्स है। बच्चे नहीं मिलेंगे तो नहीं दूंगी। हेलो संजय, डोंट बी ओवर
लेकर सीधा मेरे पास आओ। कम ऑन। लाओ बॉक्स मुझे दे दो। बच्चे कहाँ हैं? बॉक्स मुझे दे दो अनु। नहीं संजय। मम्मी,
चिल्ला रहे हो तुम लोग? इस गधेड़ा आर्नल्ड ने गुंडों से पंगा ले लिया और उनको बोला गेंडे की तरह मोटे क्यों हो गए हो, तो वो हमें मारने के लिए चक्कर मार रहे हैं। बचाने के लिए आप है ना, डरना क्यों? चुप रहे। मैंने अब लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दिया, अब मैं डिसेंट बन गया। जूनियर ने कहा था पंगा ले लो, पापा है ना? तो बोला था। हाँ पापा, मुझे पुराने वाले पापा ही चाहिए, मुझे डिसेंट पापा नहीं पसंद। करेक्ट। अगर कोई आपको मारने के लिए आपकी तरफ बढ़े तो पहला मुक्का हमारा होना चाहिए। कम स्वीटी। हे बेबी। भास्कर। और तू खर्चा पानी? मुझे उससे नहीं मिलना। क्यों? चलो चलो भागो यहाँ से, भागो। नहीं रहने दो। ओके ठीक है, मैं मिलकर आती हूँ। हाँ हेलो भास्कर। चलो। मम्मी मरी क्यों? हाय भास्कर, आपकी वजह से मेरी शादी हो गई। थैंक यू सो मच, यू आर सो स्वीट। थैंक यू सो मच। चिट्ठी छोड़ दो, माहौल गर्म हो गया। सब कुछ सही चल रहा है, आकर खराब कर रही है। इसको तो पानी में धक्का दे देना चाहिए। मैडम सुनो, आपकी वजह से वो नाराज। बोला दोनों को साथ में मत बुलाया करो। बोस भाई, अनु, अनु, अनु क्या हो गया?